हमें पार्ट लेना पड़ेगा इन WDC. फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हैप्पी न्यू ईयर मूवी को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे रोमांटिक बातों को बताएंगे जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। यहाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण का जगह पर सबसे पहले साइन किया गया था प्रियंका चोपड़ा को, बट वह जो है किसी कारण इस फिल्म से उनको जो है निकाल दिया गया और ये मूवी जो वो नहीं कर पाई। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे रोमांटिक बातों को हम बताएंगे जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। सो फ्रेंड, क्या आपको पता है कि इस मूवी ने दुनिया भर में कितनी कमाई की थी और इस फिल्म का बजट क्या था? अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि इस फिल्म को जो है 100 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और इस फिल्म ने जो है दुनिया भर में 600 से अधिक की इनकम की थी, जिसके वजह से ये मूवी जो सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रोमांटिक बातों को बताएंगे जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पे वॉच करना चाहते हैं तो आप जो इस फिल्म को यूट्यूब पे नहीं देख सकते, क्योंकि यूट्यूब पे किसी भी कंपनी ने इस फिल्म को अपलोड नहीं किया हुआ है। हाँ, और साथ ही अगर आप इस मूवी को रियल में वॉच करना चाहते हो तो आपको जो है नेटफ्लिक्स पे आप इस मूवी को आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पे इस फिल्म को रखा गया है, बट आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कहाँ से इस फिल्म को देख सकते हैं ये बात तो मैंने बतला दिया, लेकिन फ्री में आप जो है इस फिल्म को वॉच नहीं कर सकते। शाहरुख खान की ऐसी बहुत सारी मूवी है जिसे हम लोग जो है देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम जो है फ्री में वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि शाहरुख खान का जो मूवी होता है महंगी फिल्म होता है, क्योंकि इसमें हाईगेज पैड वाले एक्टर को लिया जाता है। फराह खान ने इस फिल्म के लिए जो है शाहरुख खान को कास्ट किया, साथ ही जो है दीपिका पादुकोण को प्रियंका चोपड़ा के बाद जो है उनकी किरदार को निभाने के लिए दीपिका पादुकोण को चूज किया, और यहाँ पे सोनू सूद, अभिषेक बच्चन एंड जैके श्रॉफ जो है लीडिंग रोल में नजर आए हुए हैं। 2014 की ये मूवी जो है कॉमेडी एंड एक्शन से भरा हुआ है और काफी बेहतरीन इनकम किया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक और सुपर हिट मूवीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे शाहरुख खान की एक और न्यू मूवी के बारे में। इस फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर और इस फिल्म को अभी तक जो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही इस मूवी को रिलीज किया गया था 2014 में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस किया था। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को बनाने में जो है 100 करोड़ का बजट लगा था और इस मूवी ने जो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 564 करोड़, जो कि एक सुपरहिट मूवी साबित हुआ था। फिर इस मूवी को डायरेक्ट किए थे फराह खान ने, जो कि फराह खान एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम इस फिल्म में इन्होंने किया हुआ है। फिर नेवी प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो 3 अलग अलग लोगों ने इस फिल्म में पैसे खर्च किए हुए। सबसे पहले जो करुणा, उनके बाद जो यहीं पर करीम, और उनके बाद जो है गौरी खान जो कि शाहरुख खान की वाइफ है। वेटन के बारे में बात करें तो मयूर पुरी ने इस फिल्म के डायरेक्टर को इस फिल्म के डायलॉग को लिखे हुए हैं, और फराह खान और यहीं पर आथिया कुशल जो है स्क्रीन प्ले का काम किया हुआ है। फराह खान जो है बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और ये जो है बड़ी बड़ी मूवी और सुपरहिट मूवी को लिखती भी है, एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम करते हैं मूवीज के अंदर। स्टार कास्ट में हम नजर डालते हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विवाह शाह एंड जोकि श्रॉफ इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए हुए हैं। शाहरुख खान इस फिल्म में जो है नरेटेड बॉय का भी काम किया हुआ है। म्यूजिक कंपनी के बारे में हम बात करें तो विशाल शेखर और डॉक्टर जेउस सर ने इस फिल्म के म्यूजिक को तैयार किए हुए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर मूवी का फुल रिव्यू फैक्ट जो है बतलाने वाले हैं। फ्रेंड, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है कि मैं अपने इस चैनल पे मूवी को अपलोड क्यों नहीं करता हूं। सो फ्रेंड, मैं अपने इस चैनल पे किसी भी कॉपीराइटेड मूवी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मूवी की IMDb रेटिंग बदला सकता हूं, मूवी में कौन से एक्टर ने किस तरह से काम किए हैं और कौन से डायरेक्टर ने मूवी को डायरेक्ट किया हुआ, सब सिर्फ इन सब चीजों के बारे में बतला सकता हूं, बट यहां पे किसी भी कॉपीराइटेड मूवी का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। फिर यूट्यूब पे काम करने के लिए हमें जो है काफी सारी पॉलिसीज को जो है ध्यान में रख के काम करना होता है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस फिल्म को हैप्पी न्यू ईयर को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था 23 अक्टूबर को। फिर ये मूवी जो है दुबई और इंडिया में एक साथ रिलीज हुआ था और इस फिल्म ने जो है काफी अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्मेंस किया था। सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, बट उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे बॉलीवुड से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। हैप्पी न्यू ईयर जो है एक कभी कभी और यहीं पे HNY के रूप में जो है संक्षिप्त और यहीं पे फराह खान द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस मूवीज को बनाया गया है। उसके बाद जो है 2014
2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह भी फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, उसके बाद जो है विवान, शाह, जैकी श्रॉफ जो है लीड रोल में नजर आए हुए हैं। इससे जो है यहीं पे यश राज फिल्म धारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म ने जो है निर्देशक के साथ जो है शाहरुख खान के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया था और उन्होंने पहले मैं हूं ना मूवी 2004 में रिलीज किया था और ओम शांति ओम मूवी 2007 में इन्होंने काम किया था। 2007 में काम किया था और जिसमें से बाद में जो है ये पादुकोण, दीपिका पादुकोण भी मुख्य भूमिका में थी। मुख्य भूमिका में 2007 में दीपिका पादुकोण का यह पहला मूवी है जो कि शाहरुख खान के साथ इन्होंने अभिनय किया था और ओम शांति ओम मूवी के लिए फराह खान ने स्पेशल जो है दीपिका पादुकोण को चूज किया था कई सारी लड़कियों में से। पादुकोण भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आई थी और 100 करोड़ के बजट पे ये बनी, यानी कि तकरीबन 100 करोड़ को आप जो है यूएसए में कन्वर्ट करते हो तो 14 मिलियन के कुल बजट पर इस फिल्म को बनाया गया था। हैप्पी न्यू ईयर को जो है दिवाली 2014 तमिल और तेलुगु में डॉब संस्करणों के साथ जो है एक साथ रिलीज किया गया था और हिंदी में जो है लगभग 4.200 स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में 800 स्क्रीन प्राप्त की, जो कि सबसे बड़ी थी और यहीं पे अब तक की भारत में फिल्म जो है सबसे ज़्यादा रिलीज और मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद जो है यह जो है अपने शुरुआती दिन में जो है भारत में 50 करोड़ यानी कि यूएसए में कन्वर्ट करते तो 7 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाले एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी थी, जिसने जो है उस समय तक जो है एक भारतीय फिल्म धारा किए गए यहीं पे उत्तम और यहीं पे पहले दिनों के संग्रह का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया था, स्थापित किया था और यहीं पे 408 करोड़ से अधिक की कमाई की, जिसे यूएसए में कन्वर्ट करते तो 57 मिलियन से भी ज्यादा कमाई की और दुनिया भर में यह जो है 2014 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है और यहीं पे एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर और यहीं पे आर्टॉस एंड द यहीं पे साइंसेज ने अपने पुस्तकालय में फिल्म की जो है पटकथा को प्रदर्शित किया है। फिर हैप्पी न्यू ईयर एक कॉमेडी और एक्शन फिल्म है जिसमें आपको शाहरुख खान के साथ कई अलग अलग एक्टर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण लीडिंग रोल में नजर आए हैं, उनके साथ जो अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विवान शाह एंड जैकी श्रॉफ नजर आए हुए हैं। फिर जैकी श्रॉफ का जो नाम है काफी नीचे रखा गया है बट जैकी श्रॉफ जो है एक बड़े और लीड रोल में नजर आते हैं हमेशा फिल्म में। फिर शाहरुख खान जो है 2014 में इस फिल्म को इन्होंने किया है लेकिन काफी लेट से इस फिल्म में इन्होंने काम किया है। फिर आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी को और आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है शेयर करेंगे। फिर अभी हम बातें करेंगे इस मूवी की हिस्टोरी के बारे में और इस फिल्म की हिस्टोरी को हम आप लोगों को बताएंगे और इसकी हिस्टोरी को रिव्यू करेंगे। फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप जो है हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मैं जो है किसी भी मूवी को अपलोड नहीं कर सकता अपने इस चैनल पे क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिए जाएंगे और हमारे चैनल को जो है बंद कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे यूट्यूब पे काम करने के लिए काफी ज्यादा पॉलिसीज का ध्यान देना पड़ता है, कॉपीराइट स्ट्राइक का ध्यान देना पड़ता है और बाद में जो है 3 कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक का भी ध्यान भी देना पड़ता है। फिर यहाँ पे सब्सक्राइबर बनाने में और चैनल को ग्रोथ करने में काफी लंबा समय लग जाता है और अभी ये मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और इस पे जो है 43,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया करता हूँ। ये सब आपका सपोर्ट है और प्यार है जिसकी वजह से मेरा सब्सक्राइबर जो है इतना जल्दी इंक्रीज हो गया और 43,000 भी क्रॉस हो रहा है। फिर क्या होता है कि हम अगर किसी मूवी को अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जिसका मूवी है उनके पास जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके मूवी को कोई और आदमी जो है अपलोड किया हुआ है। वो क्या करेंगे, वो हमसे कॉन्टेक्ट नहीं करते, सीधा हमारे इस चैनल को स्ट्राइक लगा देते हैं और हमारा ये चैनल जो है बंद हो जाता है। सो फिर मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ, मूवी के फैक्ट बता सकता हूँ, मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी का आईएमडीबी रेटिंग बतला सकता हूं बट किसी भी कॉपीराइट मूवी का मैं अपने चैनल पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी थोड़ा सा कहानी को रिव्यू करते हैं उसके बाद जो है हम इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करेंगे और इस फिल्म ने दुनिया भर में और दुबई से और यूएसए से कितना कमाई किए थे इन सब चीजों के बारे में आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे। फिर शाहरुख खान के बारे में बात करें तो इनका बॉलीवुड में जो भी मूवीज आता है वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करता है और शाहरुख खान ने अब तक जो है 80 फिल्म से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है और
ये जो है शाहरुख खान जो है बॉलीवुड के किंग खान बने बैठे हुए हैं। इनका कई सारा नाम हो चुका है SRK, उसके बाद जो है बादशाह खान, बादशाह मूवी इन्होंने काम किया था, उसके बाद जो है इनका नाम बादशाह भी रखा जा चुका है। फिर चंद्रा मोहन, इस फिल्म का जो कहानी है उसको जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू करेंगे। चंद्रा मोहन, चाली मोहन और यहीं पे शर्मा, शाहरुख खान जो कि एक स्ट्रीट फाइटर है, जो कि 8 साल से प्रसिद्ध यहाँ पे व्यवसायी चरण ग्रोवर और यहीं पे जैकी श्रॉफ से बदला लेने के लिए तरस रहा है। ग्रोवर ने यहीं पे चार्ली के पिता मनोहर शर्मा अनुपम खैर को जो है चोर करार दिया, क्योंकि चरण ने जो है उसे $15 मिलियन के अपने हीरे को चोरी करने के लिए धोखा दिया था। चार्ली को पता चलता है कि क्रिसमस के जो है पूर्व और संख्या पर दुबई के अटलांटिस होटल में जो है 300 करोड़ और यहाँ पे 39.48 मिलियन डॉलर के पन्ना पहुंचेंगे। वह जो है वहीं और यहाँ पे पन्ना चुराकर जो है ग्रोवर को फ्रेम करना चाहता है। इसे जो है पूरा करने के लिए वह जो है पूर्व कैप्टन और यहाँ पे जगमोहन जग प्रकाश सोनू सूद एक कठोर सुनने वाले और यहाँ पे बलवान जो है तेहमतन और टेमी ईरानी बोमन ईरानी एक पुराने और यहाँ पे जब्ती और यहाँ पे परवान सुरक्षित और यह पताका सुरक्षित पताका से जो है मिलकर एक यहाँ पे गतिशील टीम को जो है इकट्ठा करता है। मनोहर का सबसे अच्छा दोस्त यहीं पे रोहन सिंह और विवान शाह एक युवा यहीं पे बुद्धिमान हैकर और यहीं पे चरण के बेटे विक्की और ग्रोवर के यहीं पे हम शक्ल नंदू भिंडे और यहीं पे दोनों अभिषेक बचंधारा अभिनीत नाम के हैं। टैमी ही यहीं पे तिजोरी खोल सकता है टीम को। पता चलता है कि वक्त यहीं पे डॉक्ट और यहीं पे सिस्टम के यहीं पे माध्यम से बाल्ड से जुड़ा हुआ यहीं पे कमरा और 9C वर्ल्ड डांस एंड चैंपियनशिप यहीं पे WDC में जो है भाग लेने वाले टीमों के लिए यहीं पे बुक किया जाएगा। उसके बाद जो है समूह मना कर देता है, लेकिन चार्ली जो है समूह को फिर से जो है प्रेरित करता है और उन्हें एक नृत्य टीम और यहीं पे बनने के लिए आश्वस्त करता है और फिल्म यहीं पे फ्लैशबैक में जाती है। उसके बाद जो है मनोहर चरण और यहीं पे ग्रोवर से जो है मिले और उन्हें जो है एक अवैध तिजोरी बनाने का जो है अनुबंध दिया गया था। तिजोरी पूरी होने के बाद जो है चरण ने यहीं पे मनोहर को जो है नशीला पदार्थ और यहीं पे पिलाया है और अपनी यहीं पे उंगलियों के निशान का जो है उपयोग करके जो है हीरे चोरी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म वर्तमान में लौटती है जहां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीतने के लिए बेताब है और कई नृत्य शिक्षकों को यहीं पे नियुक्त करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और यहीं पे हताश में नंदू चार्ली को जो है मोहिनी जोशी दीपिका पादुकोण से मिलवाता है, जो कि एक मराठी बार एंड डांसर है। यहीं पे मोहिनी शुरू से ही यहीं पे चार्ली धारा इस्तेमाल की जाने वाली यहीं पे धारा प्रवाह और अंग्रेजी से प्रभावित है और यहाँ पे अंततः उनके इरादों से जो है अनजान है। उन्हें नृत्य सीखने में जो है मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली और यहाँ पे मोहिनी बहुत करीब आते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर ले हैप्पी न्यू ईयर मूवी को, जिसे 13 अक्टूबर 2014 में रिलीज किया गया था। और अभी हम बातें कर रहे हैं इस मूवीज की हिस्टोरी के बारे में और इसकी हिस्टोरी को हम जो है रिव्यू कर रहे हैं। इसके बाद जो इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ हम चलेंगे और इस मूवी की भी रेटिंग के बारे में हम बातें करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। फिर मैं जो है अभी ये जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी उतना क्लियर आवाज मेरा नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है। फिर आई होप कि मैं बहुत जल्द अपना सेटअप जो है तैयार करने वाला हूँ और आप लोग सामने जो है फेस क्लैम वीडियो बना के लाने वाला हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ 5 मिनट का 10 मिनट का और इन्हीं 10 मिनट में जो है इस मूवी को फुल रिव्यू कर दूँ, मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता दूँ, मूवी की IMDb रेटिंग बता दूँ और मूवी के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं।
बट क्या होता है कि जो भी छोटा वीडियो मैं बनाता हूँ, जब भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो जो है रैंक नहीं कर पाता है। आप लोग सामने इंप्रेशन जाता है बट आप लोग जो है क्लिक नहीं करते हो, जिसकी वजह से मुझे बड़ा वीडियो बनाना पड़ता है। सो फ्रेंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं, खैर बाद में बात करेंगे छोटा वीडियोज के बारे में और फेस क्लाइम वीडियो के बारे में। उसके बाद जो है न्यायाधीशों को जो है यहाँ पे नकद और तस्वीर नकद यहीं पर तस्वीरों के साथ जो है ब्लैकमेल करके पहले दौर में जो है यहीं पर अहाता प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं और अंततः हैकिंग के माध्यम से वोट हासिल करके जो है पे WDC में जो है टीम आइडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं। कई दर्शक उनके यहाँ पे कौशल की कमी के लिए उनका जो है तिरस्कार करते हैं, लेकिन चार्ली और उनकी टीम जो यहीं पे मोहिनी के बिना सभी को जो है केवल यहीं पे डकैती से जो है सरोकार है और दुबई में जो है टीम कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति यहीं पे शत्रुतापूर्ण है और जिसमें जो है उनके परियोजक और यहीं पे ग्रोवर भी शामिल है। उसके बाद जो है सेमीफाइनल में चार्ली एक यहीं पे कोरियाई सदस्य को गंभीर चोट या मृत्यु से बचाता है, तुरंत दर्शकों से जो है सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करता है। चार्ली की हरकत से जो है यहीं पे जजों के हौसले पस्त होने के बाद जो है भारत फाइनल में पहुंचा और टीम इंडिया सबकी यहीं पे चहेते बन जाती है। योजना पर जाने के बाद जो है सब कुछ तैयार है और यहीं पे दुर्भाग्य से टीम को जो है पता चलता है कि यहीं पे हीरे और यहीं पे क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर जो है आएंगे, जो कि डकैती को जो है रोकता है। मोहिनी को जो है चोरी के बारे में सुनकर चार्ली और प्रतियोगिता के लिए उसकी झूठी प्रेरणा को आकर यहीं पे गुस्से से सामना करना पड़ता है और चार्ली ने जो है खुलासा किया कि यहीं पे मनोहर वास्तव में जो है मर चुका है। गिरफ्तारी के बाद जो है उन्होंने यहीं पे मुकदमे की अपील की, लेकिन ग्रोवर ने यहीं पे मनोहर के वकीलों को जो है रिश्वत दे दी और यहीं पे सबूतों के साथ जो है छेड़छाड़ी की। अगले दिन यहीं पे मनोहर ने जो है अपनी कलाई काट कर जो यहीं पे आत्महत्या कर ली और यहीं पे मनोबल से बचने के लिए चार्ली ने इसे जो है गुप्त रखा। हालांकि टीम मनोहर का जो है बदला लेने के लिए यहीं पे टैमी सहित और भी मजबूत होने का दृढ़ और यहीं पे संकल्प करती है और मोहिनी टीम में जो है शामिल हो जाती है और डकैत में जो है उनकी मदद भी करती है। अंतिम दौर की रात और यहीं पे डकैती गति में सेट है और मोहिनी विक्की को एक लिफ्ट में ले जाती है जहां उसके अंगूठे का निशान नंदू पर काफी किया जाता है जो कि चैम्बर और खोलता है। उसके बाद जो है दरार खोलते हैं, लेकिन चार्ली और यहीं पे टैमी को एक और यहीं पे गिलास सुरक्षित मिलता है जिसमें जो है हीरे होते हैं जो कि केवल सात अंकों के यहीं पे पासवर्ड से जो है खुल सकते थे और टैमी को पता चलता है कि मनोहर ने यह जो है तिजोरी बनाई थी। चार्ली ने बाद में गहरी सोच के बाद जो है तिजोरी खोली। यह जो है समूह करते हुए कि तिजोरी को खोलने का पासवर्ड उसका ही नाम था। उसके बाद जो है हीरे चुराने के बाद जो है टीम एक नाव पर जो है चढ़ जाता है, लेकिन मोहिनी आने से जो है इनकार कर देती है क्योंकि वह यहीं पे प्रतियोगिता के साथ भारत के सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित महसूस करती है और रोहन भी उसके साथ ही शामिल हो जाता है जिससे बाकी सदस्यों के बीच जो है लड़ाई हो जाती है। फिर यहाँ पे दीपिका पादुकोण अंत में जो है हीरे को साथ जो है नहीं जाना चाहती है और वो जो है देश के लिए तैयार हो जाती है। फिर आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी को और अभी हम इसकी हिस्टोरी को रिव्यू कर रहे हैं। फिर इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है इस मूवी को वॉच करना होगा और मैं अभी बात कर रहा हूँ इस मूवी की हिस्टोरी के बारे में। सो फिर अभी इसकी हिस्टोरी को थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद जो है इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम विस्तार में बातें करेंगे। फिर काफ़ी रोमांटिक बातें जो है बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में और शाहरुख खान की ये बड़ी मूवी आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं। अंतिम दौर की रात यहीं पे डकैती गति में सेट है। मोहिनी विक्की को एक यहीं पे लिफ्ट में ले जाती है जहां उसके अंगूठे का निशान नंदू पर कॉपी किया जाता है जो कि चैम्बर खोलता है और यहीं पे ददेरा उसके बाद जो है दरार खोलते ही लेकिन चार्ली और यहीं पे टमी को एक और गिलास सुरक्षित मिलता है जिसमें हीरे होते हैं जो कि केवल सात अंकों के पासवर्ड से खुलते हैं।
टैमी को पता चलता है कि मनोहर ने यह जो है तिजोरी बनाई थी और चार्ली ने बाद में गहरी सोच के बाद जो है तिजोरी खोली। यह जो है महसूस करते हुए कि तिजोरी को खोलने का यहाँ पे पासवर्ड उसका ही नाम था। हीरो ये पे हीरे चुराने के बाद जो है टीम एक नाव पर जो है चढ़ जाती है, लेकिन मोहिनी आने से इनकार कर देती है क्योंकि वह प्रतियोगिता के साथ भारत के सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित महसूस करती है। रोहन भी उसके साथ शामिल हो जाता है जिससे जो है बाकी सदस्यों के बीच लड़ाई हो जाता है। जब टीम इंडिया यहीं पे लापता पाई जाती है तो ग्रोवर का यहीं पे दावा है कि चोर है, इग्रो का दावा है कि वे जो है चोर है। जैसे ही वह यहीं पे मोहिनी को यहीं पे परफॉर्म करते देखता है, अन्य सदस्य भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और इससे जो है तुरंत बाद में चार्ली एक जो है उपस्थिति बनाता है और अंततः टीम को प्रतियोगिता जीतने में मदद करता है। टीम इंडिया से किसी भी और यहीं पे सभी संदेह को दूर करने के साथ जो है चरण और विक्की ग्रोवर को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। चार्ली खुद को जो है चरण के सामने प्रकट करता है और अपनी जेब में उसी अरेजर और यहीं पे ब्लेड से जो है फिसल जाता है, जिससे यहीं पे मनोहर ने जो है अपना बदला पूरा करते हुए अपनी कलाई काट ली और टीम इंडिया यहीं पे एयरपोर्ट पहुंचती है और यहीं पे सुरक्षा को यहीं पे बाईपास करने में कामयाब होती है। चार्ली अपने यहीं पे माफ्ट और यहीं पे ड्रिंक में हीरो को जो है छुपाता है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे जो है यहीं पे ठिकाने लगा देते हैं। बाद में उड़ान के दौरान जो है चार्ली ने खुलासा किया कि उसने जो है ट्रॉफी पर जो है नकली हीरो और यहीं पे असली के साथ जो है बदल दिया है और टीम इंडिया जो है पहुँच गई है। यहीं पे क्रेडिट के बाद जो है दृश्यों में मोहिनी अपना डांस स्कूल खोलती है और चार्ली उसे जो है एक हीरो से बनी जो है अंगूठी के साथ जो है प्रपोज करता है। फिर हर कोई भी नंदू पर जो यहीं पे हंसता है, जिसे जो है विजेता का चेक दिखाने के लिए बैंक से जो है निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो है रोहन अंततः लड़कियों के बीच जो है अपार यहीं पे लोकप्रियता हासिल करता है, जबकि जग पहले बनाई जा रही थी। फिल्म का निर्देशन करता है कि मूल निर्देशक अब बम और यहीं पे नियंत्रण के यहीं पे टैमी पास अब कई यहीं पे बुद्धि औरतें हैं जो कि उनका नायक के रूप में यहीं पे पीछा कर रही है। लंबी अवधि की जो है सजा पाने के चरण और यहीं पे विक्की ग्रोवर अब यहीं पे दुबई शहर के जो है जेल में देखे जा रहे हैं, जो कि अभी भी अपनी जो है बेगुनाही की यहीं पे गुहार लगा रहे हैं। फ्रेंड अंत में जो है जो भी हीरो की चोरी करते हैं उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है इस मूवीज के अंदर और उन्हें जो है गिरफ्तार करके जेल में रख दिया जाता है। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हैप्पी न्यू ईयर मूवी का फुल रिव्यू एंड फैक्ट बतला रहे हैं। सो फ्रेंड अभी हम बात करेंगे स्टार कास्ट के बारे में, कौन से एक्टर ने कौन सा किरदार निभाया हुआ है। सो फ्रेंड आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड अभी हम स्टार कास्ट के बारे में बतलाएंगे कौन से एक्टर ने कौन से किरदार निभाया है और इस फिल्म में कौन से एक्टर का क्या नाम रखा गया है। फिर अभी प्रोडक्शन कंपनी और यहीं पे मार्केटिंग वगैरह के बारे में आप लोगों से काफी अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करनी है। सो फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्रेंड शाहरुख खान ने चंद्रम मोहन शर्मा उर्फ यहीं पे चार्ली के रूप में जो है शाहरुख खान मोहिनी का प्रेमी चरण और यहीं पे ग्रोवर की दस्ता का निभाया हुआ है। मोहिनी जोशी के रूप में जो है दीपिका पादुकोण चार्ली की प्रेमी रुचि और यहीं पे नंदू भेड़े विक्की ग्रोवर चरण के बेटे के रूप में अभिषेक बच्चन दोहरी भूमिका निभाया हुआ है। पूर्व यहीं पे कैप्टन के रूप में जो है सोनू सूद और यहीं पे जगमोहन प्रकाश सिंह उर्फ जग और यहीं पे रोहन के चाचा यहीं पे टेमटन ईरानी उर्फ यहीं पे टैमी मनोहर के दोस्त के रूप में बोमन ईरानी और यहीं पे रोहन सिंह के रूप में विवान शाह जग के भतीजे और यहीं पे चरण ग्रोवर के रूप में जय की शराफ विक्की के पिता मुख्य विरोधी चरण के सहायक के रूप में जो है मोहन कपूर चरण के सहायक यहीं पे सरताज गिल के रूप में उन्होंने वरुण पुरोथी का किरदार निभाया हुआ है। यहीं पे श्री गुप्ता के रूप में जो है कवि शास्त्री और यहीं पे मनोहर शर्मा के रूप में अनुपम खेर और
चार्ली के यहीं पे दिवंगत पिता और भावनात्मक के रूप में, यहीं पे नमिता ईरानी के रूप में डेजी ईरानी कैमियो उपस्थिति के किरदार निभाए हुए हैं। लैला के रूप में जो है सारा जेन और यहीं पे डायस का WDC में भारत की जो है राजदूत और कैमियो उपस्थिति, जो कि विश्व नृत्य चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में जो है डीनो और यहीं पे मोरिया कैमियो उपस्थिति। 11 सरोज खान के रूप में जो है किक्कू शारदा और कैमियो उपस्थिति का किरदार निभाया हुआ है। नृत्य प्रशिक्षक के रूप में जो है प्रभु देवा कैमियो उपस्थिति। उसके बाद जो है मलाइका अरोड़ा खान एक फिल्म की नायिका के रूप में और कैमियो उपस्थिति। अनुराग कश्यप शव और यहीं पे विश्व नृत्य और चैंपियनशिप यहीं पे ऑडिशन के न्यायाधीश कैमियो उपस्थिति के रूप में किरदार निभाया हुआ है। विशाल दलदलानी यहीं पे विश्व नृत्य चैंपियनशिप ऑडिशन के यहीं पे न्यायाधीश के रूप में कैमियो उपस्थिति। साजिद खान समय फिल्म के निर्देशक के रूप में जो है विशेष उपस्थिति। गीता कपूर समय और विश्व नृत्य चैंपियनशिप के न्यायाधीश के रूप में जो है कैमियो उपस्थिति। टीम कोरिया लीड के रूप में जो है जय और यहीं पे जकीत का किरदार निभाया हुआ है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हैप्पी न्यू ईयर मूवी का फुल रिव्यू कर रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं फराह खान ने और इस मूवी को प्रोड्यूस की हुई है गौरी खान ने। फ्रेंड, इस फिल्म में जो है लीडिंग रोल में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी और जेके श्रॉफ जो है लीडिंग रोल में नजर आए हुए हैं। फ्रेंड, अभी हम बातें कर रहे थे इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, अब इस मूवी की डेवलपमेंट के बारे में बातें करेंगे कि इस फिल्म में क्या क्या चेंजेस किया गया था और पहले कौन से स्टार कास्ट को सिलेक्ट किया गया था और बाद में किसको फिट किया गया। फिर क्या होता है कि जो भी मूवी रिलीज होने से पहले जो शूट किया जाता है उससे पहले जो है एक्टर को साइन करने पड़ते हैं। ऐसे में बहुत सारे एक्टर को पहले लिया जाता है फिर बाद में चेंज कर दिया जाता है और कई सारे एक्टर जो है बाद में खुद को जो है चेंज भी कर देते हैं। 2005 में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, यहीं पर उदय चोपड़ा, शाहरुख खान, जूही चावला, मनीषा कोइराला, आमिषा पटेल, प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन और यहीं पे जयाद खान के कलाकारों के साथ जो है फिल्म की योजना शुरू हुई थी। फिल्म को जो है अज्ञात कारणों से रोक दिया गया था और इसके बजाय जो है फराह खान ने ओम शांति ओम 2007 बनाई थी, जिसमें शाहरुख खान और यहीं पे दीपिका पादुकोण थी और अपनी फिल्म 30 मार खान 2010 के बाद जो है फराह खान ने फिल्म की संभावनाओं पर जो है विचार करना शुरू किया और यहीं पे पटकथा लेखन अक्टूबर 2012 तक जो है पूरा हो गया था। जबकि फिल्मों में और यहीं पे पुनर्जीवित किया गया तो फिल्म जो है निर्माता शाहरुख खान के विपरीत एक जो है स्थापित अभिनेत्री को जो है मुख्य भूमिका में चाहते थे और दिसंबर 2012 में जो है मीडिया ने बताया कि यहीं पे जो है निम्रताओं ने इस भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया था, जो कि स्क्रिप्ट में जो है यहीं पे सुधार के बाद जो है फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थी। हालांकि यहीं पे प्रियंका चोपड़ा ने तारीखों के मुद्दे के कारण जो है फिल्म को ठुकरा दिया और शेड्यूल एक और फिल्म के साथ जो है टकरा रहा था, जिसे जो है उसने जो है साइन किया था। इस भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों पर जो है विचार किया गया था, जैसे ही यहीं पे सोनाक्षी सिन्हा और अनीस, ऐश्वर्या राय बच्चन, परिणीति चोपड़ा और यहीं पे कैटरीना कैफ। हालांकि पादुकोण को जो है अंतिम रूप दिया गया था। यह ओम शांति ओम और यहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस के बाद जो है शाहरुख खान के साथ जो उनकी तीसरी फिल्म बनी थी और बताया जा रहा है कि शाहरुख खान फिल्म में एक चोर कलाकार की भूमिका निभा रहे थे, जिसमें जो है दीपिका पादुकोण एक मराठी नर्तकी की भूमिका में थी। एक जो है समय पर जो है जॉन अब्राहम को एक सहायक भूमिका निभानी थी, लेकिन सोनू सूद ने जो है उनकी जगह ले ली। बोमन ईरानी को जो है डायरेक्टर ने जो है एक यहीं पे इंटरव्यू के दौरान जो है यहीं पे कन्फर्म किया था। अगस्त 2013 में जैकी श्रॉफ को जो है फिल्म के प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए अंतिम रूप दिया गया था। निर्देशक के भाई साजिद खान अतिथि भूमिका में होंगे और जबकि जो अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान को भी एक यहीं पे कैमियो को प्रदर्शित होने के लिए साइन किया गया था। विवान शाह को एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी और अभिनेता निर्देशक प्रभु देवा ने कैमियो में
किया डांस और इन्होंने इस फिल्म में काम किया। फिर ये भी प्रभु देवा सर जो है एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, जो कि इन्होंने भी जो है कई सारे फिल्मों में काम किया है और ये खुद फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं। फिर आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बातें कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के बारे में जिसे 2013 में रिलीज किया गया था, और अभी हम डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अभी इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो है म्यूजिक के बारे में बताएंगे, और उसके बाद जो है दीपिका पादुकोण मैम के बारे में आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर भी करनी है। फिर फराह खान ट्विटर पर जो है आधिकारिक ये भी घोषणा की कि फिल्म मांकन का पहला शेड्यूल नवंबर 2013 की शुरुआत में दुबई में शुरू हुआ था, और अरबियन यहीं पे बिजनेस ने जो है बताया कि फिल्म के एक बड़े हिस्से की यहीं पे शूटिंग प्रतिष्ठित और यहीं पे अटलांटिस द यहीं पे पाम के लिए यहीं पर जाएगी। 23 जनवरी 2014 को मुंबई के जो यहीं पर JW और यहीं पर मैरियट होटल में शूटिंग के दौरान जो है शाहरुख खान यहीं पे घायल हो गए थे। हालांकि पहली बार में उन्हें जो यहीं पे नाबालिग बताया गया था और उन्हें जो है कंधे में फ्रैक्चर और यहीं पे बाएं घुटने का जो है फटा हुआ यहीं पे पेटेल का जो है सामना करना पड़ा था। कुछ यहीं पे समय के लिए यहीं पे आराम करने की सलाह दी गई थी और महबूब स्टूडियो को प्रमुख स्थानों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जबकि कुछ हिस्से और यहीं पे बिल्सॉन कॉलेज के पास भी जो यहीं पे फिल्माए गए थे। अंतिम कार्यक्रम अगस्त 2014 में पूरा किया गया था। उसके बाद जो है पेशकश डिजाइन असंपादित करे। फराह खान एक यहीं पे चाहती थी कि शाहरुख खान को अपने बालों को जो है लंबा करे ताकि वह जो है कंधे की लंबाई के अब बाल रख सके। उसके बाद जो है प्रचार के लिए कलाकारों के सदस्यों की यहीं पे लिखावट में लिखे डिजिटल के रूप में जो है व्यक्तिगत पोस्ट यहीं पे सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध करार किए गए थे। उसके बाद जो है रैपर योयो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ जो है फिल्म के कलाकारों को और यहीं पे क्रोने और यहीं पे एस्लैम नामक एक प्रचार दौरे पर जो है यात्रा की, और यहीं पे ह्यूस्टन में 19 सितंबर से शुरू होकर जो है यह जो है न्यू जर्सी और यहीं पे वांसिगटन और यहीं पे टोरंटो को यहीं पे शिकागो और यहीं पे वैंकूवर और यहीं पे सैन जैसे में हुआ था। एस्लैम 5 अक्टूबर को भी यहीं पे यूनाइटेड किंगडम के लिए जारी रहा था। 13 अक्टूबर 2014 को यहीं पे एंड्रॉइड और यहीं पे आईफोन के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम द नामक की यहीं पे फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक गेम जारी किया गया था, और इसे जो प्रोडक्शन कंपनी और पे गेम शास्त्र इंडिया एक भारतीय गेम आर्ट आउटसोर्सिंग स्टूडियो के सहयोग से जो है बनाया गया था। उसके बाद जो है वितरण आधारित यहीं पे संपादित करे। दुनिया भर में वितरण अधिकार यश राज फिल्म को जो है 1.25 बिलियन एन यूएसए में कन्वर्ट कर 18 मिलियन में जो है यहीं पे बेचे गए, और यहीं पे सैटेलाइट अधिकार जी नेटवर्क को जो है 650 मिलियन 9.1 मिलियन में, और यहीं पे संगीत अधिकार टी सीरीज को जो है 1.20 मिलियन में बेचे गए थे। 1.7 मिलियन एंड 2.2 बिलियन एंड 28 यूएसए मिलियन का जो है यहीं पे रिलीज पूर्व राजस्व यहीं पे अर्जित किया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस फिल्म को, हैप्पी न्यू ईयर मूवी को, जिसे जो है फराह खान ने डायरेक्ट किया हुआ है। इज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम इन्होंने किया हुआ है, और इस मूवी जरूर कुछ ऐसे फैक्ट बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में काफ़ी मज़ेदार बातें हम बतला रहे हैं, और इसमें जरूर कुछ ऐसे रोमांटिक बातों को हम बतला रहे हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। फिर अभी कुछ समय बाद जो हम इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में फुल रिव्यू करेंगे, और इसमें कौन से एक्टर ने कौन से किरदार निभाए हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में काफ़ी बेहतरीन जो है बात बतलाने वाले हैं। सो फ्रेंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
हैप्पी न्यू ईयर यहीं हैप्पी न्यू ईयर का संगीत विशाल शेखर की जोड़ी ने दिया है जबकि गति जबकि गीत यहीं पे इरशाद कामिल धारा लिखे गए हैं। पुरान यहीं पे साउंड डायरेक्ट 1 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इससे पहले जो है प्रचार संगीत वीडियो क्रोमोस 21 सितंबर को जो है इंडिया वाले और 25 सितंबर को जो है यहीं पे मनवा लागे के लिए जारी किए गए थे। उसके बाद जो है एल्बम के लॉन्च होने के बाद जो है लवली और यहीं पे नाम से इसके जो है नाइट और यहीं पे सतकली गीतों के प्रचार वीडियो भी जारी किए गए थे। एक ट्रैक इंडिया वाले जो है जस्ट डांस एंड नाउ में है और यहीं पे जस्ट डांस 2015 में डीएलसी और यहीं पे सन 2016 एंड 2017 और 2020 और 2021 के लिए जस्ट डांस एंड एंड द अनलिमिटेड सेवा का जो है हिस्सा है। फिर जो है जस्ट डांस एंड नाउ और यहीं पे जस्ट डांस एंड अनलिमिटेड से हटा दिया गया था और अज्ञात कारण द टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है कस्मीन और यहीं पे फर्नांडिस ने जो है महसूस किया कि नृत्य प्रतियोगिता के इर्द गिर्द जो है केंद्रित एक जो है डकैती फिल्म के रूप में हैप्पी न्यू ईयर संगीतकार विशाल और शेखर जो यहीं पे गीतकार इरशाद कामिल को जो यहीं पे हिदायत करते इरशाद कामिल को यहीं पे धवानियों के साथ जो है अपना रास्ता दिखाने के लिए बहुत चारा प्रदान करता है और उन्होंने जो है वितरित किया है कि साथ साथ जो है पे मूल ट्रैक एक जो है इलेक्ट्रॉनिक और यहीं पे संस्करण एक जो है यहीं पे भिन्नता एक मेडली और एक जो है विद्या संख्या हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रोहित वत्सा ने जो है यहीं पे एल्बम को 5 में से 3 स्टार दिए जिसमें जो है कहा गया कि फराह खान अपनी फिल्म की भावनाओं के बारे में अधिक जो है चिंतित दिखती है और गीतों की जो है यहीं पे पुनवक्ता और या जो उन्हें ट्रेडी और यहीं पे धुनों के साथ जो है जाने के लिए प्रेरित करता है। कुल मिलाकर जो है एल्बम औसत है और केवल युवा यहीं पे उन्मुख है और इस जो है एल्बम के लिए लंबी उम्र हासिल करना यहीं पे मुश्किल होगा। india.com के लिए जो है पे प्रथमेश यहीं पे जाधव ने लिखा है कि यह जो है मिश्रित बैग है और इसके यहीं पे विपरीत और कोई मोई के लिए समीक्षक सुरभि और यहीं पे रेड कॉर्न ने महसूस किया कि नया साल मुबारक एल्बम उतना यहीं पे असाधारण नहीं है जितना कि फिल्म यहीं पे दिग्गज है। बॉलीवुड संगीत और साउंड डायरेक्ट की उम्मीद है कि साथ या जो एक यहीं पे नियमित एल्बम के लिए नीचे आता है और विशाल शेखर की भले ही एल्बम होगा कि यहीं पे मनवा लागे ना और यहीं पे कमली जैसे गाने के साथ जो है हिट हो जाऊंगा और यह जो है ज़्यादा लंबी उम्र का यहीं पे आनंद नहीं ले पाएगा। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं शाहरुख खान की एक और जबरदस्त मूवी के बारे में। इस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हैप्पी न्यू ईयर का फुल रिव्यू एंड फैक्ट जो है इस वीडियो में हम बतला रहे हैं। फ्रेंड अभी जो है हम बातें करेंगे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सो फ्रेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये तो पता चल जाता है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर एंड सुपरहिट साबित हुआ है क्योंकि 100 करोड़ के बजट पर बनी ये मूवी जो है 500 से अधिक की कमाई की हुई है जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी जो है काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हुआ है। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहले दबा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ रुपए जमा करके एक रिकॉर्ड बनाया कि जिससे यह जो है एक ही दिन में इस आंकड़े तक जो है पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। यह रिकॉर्ड हाल ही में आमिर खान अमिताभ बच्चन एंड कैटरीना कैफ और ये जो फातिमा साना शेख अभिनीत 2018 की दिवाली रिलीज जो है थक्स ऑफ द हिंदुस्तान से यहीं पे तोड़ा है और जिसने जो है पहले दिन जो है 52.25 करोड़ का संग्रह किया था जो कि वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे अधिक है और यह जो है रिकॉर्ड बार धारा यहीं पे तोड़ा गया था। पहले दिन जो है फिल्म ने जो है यहीं पे 53.35 करोड़ का यहीं पे कलेक्शन किया था और शनिवार को जो है पे फिल्म ने 275 मिलियन की कमाई की और यहीं पे 42 और यहीं पे रविवार को कलेक्शन उसी सीमा में था और जिसने जो है यहीं पे ओपनिंग वीकेंड को रिकॉर्ड और यहीं पे 970
75 मिलियन नेट तक यहीं पे ले गया था। फिल्म ने जो है दुनिया भर में अपने पहले हफ्ता में जो है लगभग 75 बिलियन की कमाई की थी। धूम 3 के बाद जो है एक हिंदी फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत थी। फिल्म ने यहीं पे अपने पहले यहीं पे सोमवार को लगभग यहीं पे 122.5 मिलियन की कमाई की थी और 4 दिनों में इसकी कुल कमाई जो है 1.9 बिलियन हो गई थी। इसने जो है अपने पहले यहीं पे मंगलवार को 110 मिलियन की कमाई की क्योंकि फिल्म ने जो है सोमवार से यहीं पे कुछ यहीं पे सर्किटों में अच्छी जो है पकड़ बनाई थी और जिससे जो है 5वें दिनों में इसकी जो है कुल कमाई 1.20 बिलियन हो गई थी। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है अपने पहले हफ्ते में 1.34 बिलियन की कमाई की और इतनी बड़ी कमाई के साथ जो है फिल्म का हफ्ता यहीं पे जोरदार रहा था और सोमवार और मंगलवार को इसका यहीं पे आखिर भारतीय संग्रह अच्छा रहा, लेकिन जो यहीं पे बुधवार को यह गिर गया था। विशाल पहले हफ्ता ने जो है फिल्म को लगभग 770 मिलियन का भारी वितरक हिस्सा दिया था और फिल्म ने जो है अपने पहले हफ्ता में दुनिया भर में जो 2.45 बिलियन की कमाई की थी जो कि धूम 3 किक और यहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस के बाद जो है अब तक की चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली मूवी थी। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करणों ने पहले हफ्ता में क्रोमस 11 मिलियन शुद्ध और यहीं पर 26 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे यहीं पर शुक्रवार को जो है लगभग 45 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार और रविवार को जो है लगभग 67.5 मिलियन शुद्ध और यहीं पर 92.5 मिलियन की शुद्ध कमाई करने के लिए यहीं पे भारी वृद्धि दिखाई दी थी। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है दूसरे हफ्ता के अंत में लगभग जो है 2.25 मिलियन यानी कि 202.5 मिलियन की कमाई की और इसके 10 दिन के कुल जो है 1.54 बिलियन नेट तक जो है ले गए थे। फिल्म ने दूसरे सोमवार को जो है लगभग 30 मिलियन की शुद्ध कमाई की और दूसरे मंगलवार को 40 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और दूसरे यहीं पे बुधवार को जो है 27.5 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है अपने दूसरे हफ्ता में जो है लगभग 353.8 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। कुल मिलाकर 1.68.5 यानी कि बिलियन का शुद्ध लाभ उठाया था और उसने जो है अपने तीसरे हफ्ता में लगभग जो है 45 मिलियन की शुद्ध कमाई की और कुल मिलाकर 1.73 बिलियन का शुद्ध लाभ उठाया था। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है तीसरे हफ्ता में लगभग 77.5 मिलियन की शुद्ध कमाई की जो कि कुल मिलाकर 1.76 बिलियन से थोड़ा यहीं पे अधिक हो गई थी। हैप्पी न्यू ईयर ने चौथे हफ्ता में जो है 15.6 बिलियन की शुद्ध कमाई की और पांचवें हफ्ता में 3.4 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैप्पी न्यू ईयर मूवी को और अभी हम बात कर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो फ्रेंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार बातें बतला रहे हैं। सो फिर ऐसे में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था बॉक्स ऑफिस पे और ये मूवी सुपर हिट साबित हुआ था। फिर आज की इस वीडियो में हम इस मूवी का फुल रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का शूटिंग जो है 2008 में ही फराह खान ने सोचा था करने के लिए, लेकिन किसी कारण जो है इस फिल्म को उन्होंने रोक दिया और 2014 चेन्नई एक्सप्रेस के बाद जो है इस फिल्म की शूटिंग को जो है दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है चौथे हफ्ता में 15.6 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और पांचवें हफ्ते में 3.4 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी जिससे इसकी कुल कमाई जो है 1.83 बिलियन हो गई थी और बॉक्स ऑफिस पे इंडिया में हैप्पी न्यू ईयर को जो है सुपर हिट घोषित किया गया था। इसका अंतिम घरेलू सकल जो है 295 करोड़ एन यूएसए में कन्वर्ट करे तो 48 मिलियन था। उसके बाद जो है विदेशों में इसने कितना कमाई की थी इसके बारे में अब हम बातें करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है 8.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर एंड 498 मिलियन के यहाँ पे आंकड़ों के साथ जो है अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया गया है। फिल्म ने यहाँ पे खाड़ी नेपाल
खारी नेपाल श्रीलंका, खारी नेपाल श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद जो है मलेशिया थाईलैंड एंड हांगकांग और यहाँ पे जर्मनी के एक जो है सर्वकालिक रिकॉर्ड शुरुआत की थी। उदाहरण और यहाँ पे वांछित जो है शुरुआती हफ्ता में जो है फिल्म ने 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है कमाई की थी। 178 मिलियन खाड़ी में जो है 2 मिलियन एंड 123 मिलियन यहाँ पे यूएसए कैनेडा में इसने कमाई किया था। उसके बाद ये यूरो में 5,70,056 मिलियन यूनाइटेड किंगडम में जो है इसने कमाई किए थे। उसके बाद जो है 20.5 मिलियन ऑस्ट्रेलिया में और यहीं पे PKR 62 मिलियन का इसने कमाई किया था। फिर यहीं पे NRI 37 मिलियन पाकिस्तान में एंड उसके बाद जो हैप्पी न्यूवर ने जो है जर्मनी में एक ही हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे अच्छी ओपनिंग की है। और क्योंकि इसने जो है रिलीज के पहले दिन जो है यहीं पे उन्होंने $94,000 की कमाई की और धूम 3 ने हफ्ता में जो है उसके बाद जो है 64,000 की कमाई की थी। और हफ्ता में यहीं पे मायने मिस खान ने जो है उस 97,000 की कमाई की थी। विदेश में अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत में जो है फिल्म ने विदेशी बाजारों में यूएसए डॉलर जो 16.71 मिलियन एंड 102 करोड़ की कमाई की थी। यह विदेशी बाजार में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक है। फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई। इसने जो है चीन बॉक्स ऑफिस पर जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किया था और 3.21 करोड़ की कमाई की थी। क्रिटिकल और ये पे रिस्पेंशन संपादित करें। फिल्म को जो है भारत और विदेशों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हुई है। समीक्षकों और आधार पर जो है राटेन और यहाँ पे टोमांटोज पर जो है इसकी 57 रेटिंग है। जबकि जो है मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से शाहरुख खान हास्य यहीं पे सामग्री को प्रशंसा मिली हुई है। चरित्र यहीं पे विकास की कमी और यहीं पे अनौपचारिक यहीं पे कथानक को जो है आलोचना मिली हुई थी। और घरेलू संपादक इंडियन एक्सप्रेस के यहीं पे सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी है और इसे जो है मेरा भारत महान भावना प्रकार की फिल्म और एक यहीं पे महासागर के 11.12 और यहीं पे फ्लैश डांस के बीच जो है एक यहीं पे क्रास कहा गया है। रडीफ ने फिल्म को जो है 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी है और कहा है कि शुरू में ही एक यहीं पे धोखे की तरह जो है चलती है और एक विशाल लड़का जहां कुछ भी यहीं पे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। NDTV ने भी यहीं पे फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि यहीं पे बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बावजूद जो है इसमें कुछ भी नया नहीं है और यहीं पे फर्स्ट पोस्ट के यहीं पे मिहिर कटर बीस ने कहा कि फिल्म एक यहीं पे मोह और वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखती है और यहीं पे महसूस करती है कि जिसका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड में यहीं पे ठीक दो लोगों और यहीं पे फरार और शाहरुख खान धारा सराहना करना था। और ऐसा लगता है कि यहीं पे महासागर 11 यहीं पे 11 जो है बबून धारा जो है फिर से लिखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वसाव ने जो है मौलिकता को लेकर जो है फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए। कहा कि मौलिकता वह क्या है, फराह खान से यहीं पे हैप्पी न्यू ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शाहरुख खान की सुपरहिट मूवी को जिसका नाम है हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म को जो है 2014 में रिलीज किया गया था और इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे रोमांटिक बातों को हम बता रहे हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। सो फिर अभी हम बातें करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और इस मूवी की अभी हम बातें करेंगे स्टार कास्ट के बारे में। सो फिर इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है काफ़ी बेहतरीन है और इस फिल्म ने जो है दुनिया भर में काफ़ी अच्छी तरह से इनकम किया था और काफ़ी सारे डॉलर भी इसने कमाए थे जो कि मैंने आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फिर फराह खान का ये मूवी सुपरहिट मूवी साबित हुआ है। राइटर्स की जो यहीं पे सिल्का जाम खंडीकर ने कहा है कि फिल्म ने उदारतापूर्वक हॉलीवुड की चोरी की है, फिल्मों से उधार लिया है और ये पे खासकर यहीं पे एस्टुअर और ये पे सोडर बर्ग की जो है ओशन और ये पे इलेवन से पहला आधा हल्का और कई
बार वास्तव में जो है मेजर मजेदार होता है, लेकिन जैसे जैसे दूसरा भाग आगे बढ़ता है कार्यवाही ये पे निरा हो जाती है और हॉलीवुड जो है रिपोर्टर की जो है हॉलीवुड रिपोर्टर की लिसा तसे रिंग ने ये पे फिल्म की समीक्षा एक जो है महत्वाकांक्षी संगीत एक प्रेम कहानी और एक जो है महासागर के 11 शैली के अपराध स्लीपर के रूप में की है। डॉन के यहीं पे शामी कहर ने जो है फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह फिल्म यहीं पे ओशन और यहीं पे 11 प्लस यहीं पे इटालियन जब यहीं पे प्लस स्टेप अप यहीं पे ऑल इन वन यहीं पे सस्ते आकार यहीं पे बिगड़ते हैं और यहीं पे एस्टेरियोट पर जो है काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है। फ्रेंड अब हम बातें करेंगे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में और दीपिका पादुकोण के बारे में आप लोग को काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं फराह खान ने, एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम इन्होंने किया हुआ है। इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात करें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी एंड विवान शाह एंड जोकी श्रॉफ इस फिल्म में लीडिंग रोल में नजर आए हुए हैं। इस फिल्म को जो है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया है एंड यश राज फिल्म द्वारा इसको जो है दुनिया भर में चलाया गया था। 23 अक्टूबर 2014 को दुबई एंड 24 अक्टूबर 2014 को इंडिया में, यानी कि इंडिया से एक दिन पहले जो है दुबई में इस मूवी को रिलीज किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में 100 करोड़ के बजट लगे थे और 564 करोड़ का इनकम इसने दुनिया भर में किया था, जिसकी वजह से ये मूवी सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर साबित हो गया है। फिर ये मूवी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता, आज भी आपको जो है प्राइम वीडियो में इस फिल्म को रखा गया है, जहाँ से आप जो है नेटफ्लिक्स पे इस मूवी को जो है आप वॉच कर सकते हो। फ्रेंड इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है जो कि पैड होगा। फ्रेंड यहीं पे इस मूवी की दीपिका पादुकोण के बारे में हम बात करें तो 5 जनवरी 1986 में इनका जन्म हुआ था और इनका एज जो है 35 साल की ये हो चुकी है और बॉलीवुड में सबसे महंगी एक्टरों में शामिल है और इनका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है और रणबीर सिंह से ये जो है शादी भी कर चुकी है। फ्रेंड आज के इस वीडियो में इनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, इनके बायोग्राफर के बारे में हम बात करेंगे। वैसे जितने भी एक्टर हैं इनके साथ जो है रोमांस कर चुके हैं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान ने इनके साथ जो सबसे पहली फिल्म की थी ओम शांति ओम, उसके बाद जो है चेन्नई एक्सप्रेस और कई सारे फिल्मों में एक साथ जो है नजर आए हुए है। फिर दीपिका पादुकोण यहीं पर उच्चारण एंड पादुकोण का जन्म जो है जनवरी 5 1986 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेत्री है और यहीं पे निर्माता है जो कि हिंदी फिल्मों में काम करती है और भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेत्रियों में से एक की। उनकी जो है प्रशंसा में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। वह जो है देश की सबसे लोकप्रिय हस्तियों की सूची में शामिल है और यहीं पे टाइम्स ने उन्हें जो है 2018 में दुनिया के 100 सबसे यहीं पे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम भी दिया है। सो फिर आज के इस वीडियो में आप लोग का प्यारी दीपिका पादुकोण के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, इनके बायोग्राफर के बारे में बात करेंगे और फिल्मों में आने से पहले ये क्या करती थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है, लगभग 2 से 3 दिन एक ऑडियो को रिकॉर्ड करने में लग जाता है, उसके बाद जो इसको अपलोड करना पड़ता है और आप लोग जो है इस वीडियो को पूरी नहीं देखते हो और बीच में ही छोड़ के चले जाते हो। खैर आप लोग को मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं और मैं जो है आप लोग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर से जो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे कोई भी वीडियो को जो है आप मिस ना कर पाए। उसके बाद जो है बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी जो है पादुकोण का जन्म यहीं पे कोपेनहेगन में हुआ था और उनका पालन पोषण जो है बेंगलोर में हुआ था। एक किशोरी के रूप में उन्हें जो है राष्ट्रीय स्तर की जो है चैंपियनशिप में बैडमिंटन खेला, लेकिन एक जो है फैशन मॉडल बनने के लिए खेल में अपना करियर छोड़ दिया। उन्हें जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिले और उन्होंने 2006 में जो है कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या के यहीं पे शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय की शुरुआत की। पादुकोण ने जो फिर अपनी पहली बॉलीवुड रिलीज यहीं पे रोमांस ओम शांति ओम सन 2000
2007 में शाहरुख खान के साथ जो है दोहरी भूमिका निभाई और जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। दीपिका पादुकोण को रोमांस एंड लव जो है आजकल सन 2009 में जो है उनकी अभिनीत जो है भूमिका के लिए प्रशंसा मिली थी, लेकिन इसके बाद जो है एक यहाँ पे संक्षिप्त जो है यहाँ पे झटका लगा था। रोमांटिक कॉमेडी एंड कॉकटेल 2012 ने जो है उनके यहीं पे करियर में एक जो है महत्वपूर्ण मोड़ दिया था और उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी में यहीं पे जवानी है दीवानी और यहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस दोनों फिल्मों में, 2013 में डकैती एंड कॉमेडी हैप्पी न्यूवर, 2014 एंड संजय में जो अभिनीत की थी भूमिकाओं के साथ जो है और यहीं पे सफलता हासिल की। यहीं पे लीला भंसाली के पीरियड ड्रामा बाजीराव और यहीं पे बाजीराव मस्तानी 2015 और यहीं पे पद्मावत 2018 और जो है हॉलीवुड एक्शन फिल्म में इन्होंने काम किया है XXX में। उसके बाद जो है रिटर्न ऑफ जो है जेंडर केज 2017 उन्होंने जो यहीं पे भंसाली संजय लीला भंसाली के साथ जो है दुखद रोमांस गोलियों की यहीं पे अरस रास लीला राम लीला एंड 2013 में जो है यहीं पे जूलियट पर जो है आधारित एक जो है किरदार यहीं पे निभाने और कॉमेडी ड्रामा जो है पिक्कू 2015 में एक जो है पे हेड यहीं पे हेड एस्ट्रन और यहीं पे आर्किटेक्ट के लिए जो है आलोचकों की प्रशंसा मिली हुई है, जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दो फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं और उन्होंने 2018 में जो है अपनी खुद की कंपनी का जो है प्रोडक्शन बनाई है जिसके तहत जो है उन्होंने यहीं पे छपाक 2020 की निर्माण किया है, जिसमें जो है उन्होंने एक जो है एसिड अटैक जो है यहीं पे सर्वाइवर के रूप में भी अभिनय किया है। पादुकोण को लीव लव एंड लव फाउंडेशन के जो है स्थापन है जो कि भारत में जो है मानसिक स्वास्थ्य पर जो है जागरूकता और पैदा करता है। उसके बाद जो है नारीवाद और जो है अवसाद जैसे जो है मुद्दों के बारे में जो है यहीं पे मुखर हुआ जो है स्टेज शो में भी यहीं पे लाग लेती है एक जो है अखबार के लिए कलम लिखी है और महिलाओं के लिए यहीं पे कपड़ों की अपनी जो है लाइन तैयार की है और ब्रांडों और यहीं पे उत्पादों के लिए जो है एक प्रमुख सेलिब्रिटी यहीं पे एंडोर्सर और यहीं पे पादुकोण ने अपने सहकलाकार रणबीर सिंह से इन्होंने शादी की हुई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शाहरुख खान की एक और जबरदस्त मूवी का जिसका नाम है हैप्पी न्यूवर और इस फिल्म में जो आपको कई सारे अभिनेत्री देखने को मिलते हैं जैसे कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सोनू सूद एंड बोमन ईरानी एंड यहीं पे जैकी श्रॉफ जो है लीडिंग रोल में नजर आए हुए हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट की हुई है फराह खान, एज ए राइटर एंड डायरेक्टर का काम इन्होंने किया हुआ है। इस फिल्म को जो है 100 करोड़ के बजट पर बनाया गया है। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम इस मूवी का फुल रिव्यू एंड फैक्ट बता रहे हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ये मूवी देखना होगा जो कि नेटफ्लिक्स पे आप जो है इस फिल्म को आसानी से देख सकते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश दीपिका पादुकोण की बेटी पादुकोण का जन्म जो है कोपेनहेगन में हुआ था और उनका पालन पोषण जो है बेंगलोर में हुआ था। एक जो है किशोरी के रूप में उन्हें जो है राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में जो है बैडमिंटन खेला, लेकिन एक जो है फैशन मॉडल बनने के लिए खेल में जो है अपना करियर छोड़ दिया और उन्हें जो है जल्द ही फिल्म यहीं पे भूमिकाओं के प्रस्ताव मिले और उन्होंने जो है 2006 में जो है कन्नड़ फिल्म में यहीं पे ऐश्वर्या के साथ जो है चरित्र के रूप में अभिनय किया। शुरुआती पादुकोण ने जो है फिर अपनी पहली बॉलीवुड रिलीज जो है इस फिल्म में काम किया ओम शांति ओम में। उसके बाद जो है 2009 में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन इसके बाद जो एक यहीं पे संक्षिप्त झटका लगा था। रोमांटिक कॉमेडी यहीं पे कॉकटेल 2012 में उन्होंने जो है अभिनय किया और उनके करियर में एक जो है महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था और उन्होंने जो है रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी और यहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस दोनों 2013 और डकैत मूवी यहीं पे कॉमेडी हैप्पी न्यूवर 2014 संजय लीला भंसाली में अभिनीत भूमिकाओं के साथ जो है और यहीं पे सफलता हासिल की थी। लीला भंसाली की यहीं पे पीरियड ड्रामा बाजीराव मस्तानी 2015 और
फतवा व 2018 और हॉलीवुड मूवी एक्शन ट्रिपल एक्स में इन्होंने काम किया। यहीं पे रिटर्न ऑफ यहीं पे जेंडर केज 2017 में उन्होंने जो है संजय लीला भंसाली की दुखद और रोमांस, यहीं पे गोलियों की यहीं पे रसलीला, रामलीला 2013 में जूलियट पर जो है आधारित एक जो है किरदार निभाने वाले और कॉमेडी ड्रामा पिक्कू 2015 में एक जो है हेड स्ट्रॉन और यहीं पे आर्किटेक्ट के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ यहीं पे अभिनेत्री के लिए 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और उन्होंने 2018 में अपनी खुद की कंपनी का जो है प्रोडक्शन बनाई, जिसके तहत जो है उन्होंने छपाक मूवी 2020 का निर्माण किया और जिसमें जो है उन्होंने एक जो है एसिड अटैक यहीं पे सर्वाइवर के रूप में भी काम किया है। पादुकोण की यहीं पे लिव लव और यहीं पे लव फाउंडेशन के जो है संस्थापक है, जो कि भारत में यहीं पे मानसिक स्वास्थ्य पर जो है जागरूकता पैदा करता है। उसके बाद जो है नारीवाद और यहाँ पे अवसाद जैसे मुद्दों के बारे में मुखर व जो है स्टेज शो में भी भाग लेती है और एक जो है अखबार के लिए यहीं पे कलम लिखी है और महिलाओं के लिए कपड़ों की अपनी लाइन तैयार की है और यहाँ पे ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक यहाँ पे प्रमुख और लिमिटेड और यहाँ पे एंडोर्सर है और पादुकोण ने जो है अपने सह कलाकार रणबीर सिंह से शादी भी की हुई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की एक और जबरदस्त मूवी को, इसे 2014 में रिलीज किया गया था। और अभी हम बातें कर रहे थे दीपिका पादुकोण के बारे में, इन्होंने अब तक जो है कौन कौन सी फिल्म में काम किया है और इन्होंने जो है अब तक जो है बॉलीवुड में कितने फिल्में की हुई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बातें कर रहे थे। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बातें जो है आप लोगों को इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं। शाहरुख खान का ये मूवी जो है 2014 में 13 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। और अभी हम बात करें स्टार कास्ट के बारे में, दीपिका पादुकोण का जन्म जो है जनवरी सन 1986 को यहीं पे डेन कर्म के कोपोहर में हुआ था और ये जो ब्राह्मण परिवार को यहीं पे भाषी माता पिता के घर हुआ था। उसके बाद जो है खिलाड़ी और उनकी माँ जो है उज्जाल का एक यहीं पे ट्रेवल एजेंसी है और उनकी जो है छोटी बहन यहीं पे अनीसा एक जो है गोल्फ और यहीं पे खिलाड़ी है। उनके दादा रमेश और मैसूर यहीं पे बैडमिंटन यहीं पे एसोसिएशन के यहीं पे सचिव थे। जब दीपिका पादुकोण एक वर्ष की थी तब यहीं पे परिवार बेंगलोर भारत में यहीं पे स्थानांतरित हो गया। उन्होंने जो है बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और यहीं पे माउंट कार्मेल और कॉलेज में जो है अपनी पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा पूरी की थी। बाद में उन्होंने जो है समाज शास्त्र में कला और यहीं पे स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी और यहीं पे राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो है दाखिला लिया, लेकिन बाद में अपने यहीं पे मॉडलिंग करियर के साथ जो है यहीं पे समय बंधन और यहीं पे संघर्षों के कारण जो है उसे छोड़ दिया गया था। दीपिका पादुकोण ने कहा है कि वह जो है एक बच्चे के रूप में यहीं पे सामाजिक रूप से जो है अजीब थी और उनके कई दोस्त नहीं थे। उनके जीवन का जो है यहीं पे फोकस और यहीं पे बैडमिंटन था, जिसे जो है उन्होंने कम उम्र से ही यहीं पे प्रतिष्ठा प्रदान रूप से जो है खेला था। 2012 के एक जो है साक्षात्कार में अपनी यहीं पे दिनचर्या के बारे में बताते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, फिर से जो यहीं पे बैडमिंटन खेलने जाती हूँ और अपना यहीं पे होमवर्क पूरा करती हूँ। और जो कि जाती और यहीं पे पादुकोण ने अपने पूरे स्कूल के वर्षों में जो है बैडमिंटन में अपना करियर बनाना जारी रखा और राष्ट्रीय स्तर के जो है चैंपियनशिप में खेला। उसके बाद जो है खेल उसने जो है कुछ राज्य और यहाँ पे स्तरीय और यहाँ पे पूर्व यहीं पे टूर्नामेंट में जो यहीं पे बेसबॉल की खेला और अपने शिक्षा और खेल करियर पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक बाल मॉडल के रूप में भी काम किया है। पहली बार 8 साल की थी उम्र में कुछ यहीं पे विज्ञापन अभिनयों में दिखाई दी। उसके बाद जो है 10वीं कक्षा में उसने जो है यहीं पे फोकस बदल दिया और एक जो है कक्षा में उसने जो है फोकस बदल दिया और फैशन मॉडल बनने का फैसला किया। उसने जो है बाद में यहीं पे
बाद में जो है समझाया, मुझे यहीं पे एहसास हुआ कि मैं जो है खेल केवल इसलिए खेल रही थी क्योंकि यह जो है परिवार में चलता था, और इसलिए मैंने जो है अपने पिता से पूछा कि क्या मैं इस खेल को छोड़ सकती हूँ, और वह जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। 2004 में उन्होंने जो है प्रसाद दीपिका पादुकोण और ये पे शहरुख़ में जो है एक मॉडल के रूप में पुरनकालिक करियर शुरू किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शाहरुख खान की हैप्पी न्यूवर मूवी को, जिसे डायरेक्ट किया है फराह खान ने। इस फिल्म में जो है शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण, सोनू सूद एंड जैकी श्रॉफ जो है लीडिंग रोल में नजर आए हुए हैं। आज की इस वीडियो में इस मूवी का, रोमांटिक फिल्म का, और इस जो है कॉमेडी एंड एक्शन मूवी, इसको जो है कॉमेडी एंड एक्शन फिल्म भी बोल सकते हैं, दोनों चीज जो है आपको इस फिल्म में देखने को भरपूर मिलता है। फिर चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपनी करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने ये पे लेरिट और साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन के साथ जो है पहचान हासिल की थी, और कई अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की थी। 2005 में उन्होंने ये पे डिजाइनर सुनीत वर्मा के लिए ये पे चौक में फैशन वीक में जो है अपना ये पे रनवे डेब्यू किया था, और ये पे किंग फिशर और ये फैशन अवार्ड में जो है मॉडल ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। दीपिका पादुकोण की प्रसिद्ध और ये पे तब बढ़ गई थी, वह जो है 2006 में ये पे किंग फिशर और ये पे कैलेंडर के लिए एक जो है अत्यधिक और ये पे लोकप्रियता ये पे प्रीत अभियान में दिखाई दी थी। उसके बाद जो है डिजाइनर और ये पे वेडेल और ये पे राडिक्स ने जो है ये पे टिप्पणी की कि ऐश्वर्या राय के बाद जो है उन्होंने ये पे हमारे पास इतनी ये पे सुंदर और ताजा लड़की नहीं थी, और ये पे रॉड्रिक्स ने उसे जो है एक ये पे गंजम और ये पे ज्वेलरी क्लास में जो है देखा जो कि वह पढ़ा रहा था, और ये पे मैट्रिक्स और ये पे एजेंसी के साथ जो है पे साइन ऑफ किया था। 21 साल की उम्र में दीपिका पादुकोण मुंबई आ गई थी और अपनी यहीं पे मौसी के घर पर रही थी। उस वर्ष उन्होंने यहीं पे हिमेश रेशमिया के गीत नाम है तेरा के लिए संगीत वीडियो में अभिनय करके जो है व्यापक पहचान प्राप्त की थी। दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे और एक अभिनेता के रूप में जो है खुद को जो यहीं पे बहुत यहीं पे अनुभव वहीन मानते हुए उन्होंने इसके बजाय यहीं पे अनुपम खेर की फिल्म यहीं पे एकेडमी में एक जो है कोर्स के लिए जो है दाखिला लिया। कहीं यहीं पे मीडिया और यहीं पे अटकलों के बाद जो है निर्देशक यहीं पे फराह खान, जिन्होंने जो यहीं पे रेशमिया के संगीत और वीडियो में उन्होंने देखा था कि उन्हें जो है हैप्पी न्यूयॉर्क में जो है एक जो है भूमिका के लिए लेने का फैसला किया था, और फैशन डिजाइनर यहीं पे वेंडेल और यहीं पे राडिक्स में भी भूमिका पाने में उनकी मदद करने का श्रेय लेते हैं। फराह खान अपनी जो है अगली फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी, और यहीं पे मलाइका अरोड़ा से संपर्क किया, और यहीं पे राडिक्स और जिनके लिए जो है दीपिका पादुकोण लगभग दो साल से यहीं पे मॉडलिंग कर रही थी। उन्होंने जो है अपने यहीं पे एक करीबी दोस्त यहीं पे अरोड़ा से यहीं पे सिफारिश की थी, जिन्होंने बदले में 2007 में शाहरुख खान को उनकी यहीं पे सिफारिश भी की थी। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान का हैप्पी न्यूयर मूवी को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे यहीं पे फराह खान ने, एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम इन्होंने किया हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस फिल्म को, और अभी हम बातें कर रहे हैं दीपिका पादुकोण मैम के बारे में, जो कि काफ़ी हॉट हीरोइने हैं और इनके लाखों फैंस हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी। XXX हॉलीवुड फिल्म में इन्होंने 2013 के दशक में काम भी किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस फिल्म को, दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान की ये जबरदस्त मूवी हैप्पी न्यूयर फिल्म को, जिसमें कॉमेडी एंड एक्शन सीन भी आपको देखने को मिलता है। दीपिका पादुकोण ने 2006 में घोषणा की कि वह जो है ऐश्वर्या के साथ अपने फिल्म की शुरुआत करेंगी, जो कि इंद्रजीत यहीं पे लंकेश धारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म है। रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म जो यहीं पे मन मधुडू की रीमेक थी, और उन्हें जो है अभिनेता उपेंद्र के साथ जो है शीर्षक भूमिका में जो है लिया गया था। यह फिल्म
फिल्म जो है यहीं पे व्यावसायिक रूप से जो है सफल साबित हुई थी। Rotif.com के यहीं पे आरजी और यहीं पे विजय सारथी ने दीपिका पादुकोण की स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने यहीं पे भावनात्मक दृश्यों के पार काम करने की ज़रूरत है। 2006 के अंत तक जो है यहीं पे फराह खान के हैप्पी न्यू ईयर को जो है यहीं पे स्थगित कर दिया गया था और यहीं पे शाहरुख खान ने इसके बजाय जो है दीपिका पादुकोण को कास्ट किया था। उसके बाद जो है मेलोड्रामा ओम शांति ओम में 2007 में हिंदी फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि यहीं पे पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट फिल्म सन 1970 के दशक में एक संघर्ष यहीं पे अभिनेता की कहानी बताती है जो कि उस यहीं पे महिला की यहीं पे हत्या के तुरंत बाद मर जाता है जिसे जो है वह प्यार करता था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए जो है पुनर्जन्म लेता है। शाहरुख खान ने जो है नायक के रूप में अभिनय किया और यहीं पे दीपिका पादुकोण ने 1970 के दशक की एक प्रमुख अभिनेत्री और बाद में एक यहीं पे महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की दोहरी भूमिकाओं में अभिनय किया है। अपनी भूमिका की तैयारी में जो है दीपिका पादुकोण ने अभिनेत्रियों हेलेन और हेमा मालिनी की शारीरिक भाषा का जो है अध्ययन करने के लिए कई फिल्में देखी और उनकी आवाज को जो है यहीं पे कलाकार जो है मोना और यहीं पे घोष शेट्टी ने डब किया था। फिल्म के एक गीत यहीं पे धूम ताना के लिए दीपिका पादुकोण ने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के यहीं पे ऑर्केस्ट किया था और यहीं पे डोरलिंग और यहीं पे किडर सेल के यहीं पे अनुसार यहीं पे हस्त यहीं पे मुद्दा हाथ के इशारों का उपयोग करके जो है यहीं पे मिस मैरिज एंड और यहीं पे इंडियंस यहीं पे ओम शांति ओम और यहीं पे एक व्यावसायिक सफलता थी और 1.49 बिलियन से अधिक की कमाई की थी एंड यूएसए में कन्वर्ट करके 21 मिलियन के यहीं पे वैश्विक और यहीं पे राजस्व के साथ वर्ष की जो है सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी। उसके बाद जो है मनोरंजन और यहीं पे पोर्टल बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने कहा है कि उनके पास जो है एक शीर्षक स्टार बनने के लिए सब कुछ है और उन्हें जो है फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ यहीं पे महिला पदार्पण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था और उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन के लिए पहला जो है फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और बॉलीवुड हंगामा ने जो है बताया कि ओम शांति ओम की जो है यहाँ पे सफलता उनके लिए एक सफलता साबित हुई थी। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी को जिसे 2014 में रिलीज किया गया था और अभी हम बातें कर रहे हैं स्टार कास्ट के बारे में। दीपिका पादुकोण मैम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इनके बारे में काफ़ी मज़ेदार बातें बतला रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस मूवी की हिस्टोरी को रिव्यू कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है इस फिल्म को वॉच करना होगा जो कि अमेजन प्राइम पे आप जो है इस मूवी को आसानी से देख सकते हो। यहीं पर दीपिका पादुकोण ने अगली बार जो है यश राज फिल्म की रोमांटिक कॉमेडी बचना ए हसीनो फिल्म 2008 में एक स्टार रणबीर कपूर की प्रेम यहीं पर रुचियों में से एक की भूमिका निभाई थी। फिल्म की एक यहीं पे वित्तीय सफलता थी, लेकिन जो है आउटलुक की जो है अमृता जोशी ने लिखा है कि दीपिका पादुकोण का प्रदर्शन निराशाजनक था। वह जो है पे पुतले की तरह है और पूरी तरह से जो है आग और यहीं पे जिंगी यहीं पे कमी है। निखिल यहीं पे आडवाणी की यहीं पे कुंग फू कॉमेडी चांदनी चौक टू चाइना में यहीं पे अक्षय कुमार के साथ जो है 2009 की उनकी पहली रिलीज आई और जिसमें जो है उन्होंने भारतीय चीनी जुड़वा और यहीं पे बहनों की दोहरी भूमिका निभाई। यहीं पे वर्णन यहीं पे ब्रदर्स धारा जो है निर्मित यह एक भारतीय फिल्म कोडी गई थी सबसे जो है व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रिलीज में से एक थी। दीपिका पादुकोण ने जो है यहीं पे जुजू तसु और यहीं पे सीखा और अपने स्टंट खुद किए और प्रचार के बावजूद जो है चांदनी चौक टू चाइना एक वित्तीय विफलता थी और अपने 800 मिलियन एंड 11 मिलियन के बजट के भारतीय यहीं पे करने में विफल रही थी। यहीं पे बिल्लू नाटक में एक यहीं पे आइटम नंबर लो मेरा हिट नामक गीत के बाद जो है वह यहीं पे लेखक निर्देशक यहीं पे इम्तियाज अली के रोमांटिक ड्रामा लव
आजकल में सैफ अली खान के साथ दिखाई दी थी। फिल्म ने जो है युवाओं के यहीं पे बीच रिश्तों के बदले यहीं पे मूल्य का यहीं पे दस्तावेजीकरण किया और यहीं पे दीपिका पादुकोण ने मीरा पंडित की भूमिका निभाई जो कि एक जो है मजबूत करियर यहीं पे महिला थी। दुनिया भर में यहीं पे 1.2 बिलियन से अधिक की कमाई की 17 मिलियन की कमाई के साथ जो है लव आजकल 2009 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। डेली न्यूज एंड यहीं पे एनालिसिस के यहीं पे अनिरुद्ध और यहीं पे गुहा ने कहा है कि दीपिका पादुकोण अब की जो है अब यहीं पे अब तक की अपने जो है चार प्रदर्शन में से एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और यहीं पे 55वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से दीपिका पादुकोण को यहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला था। 2010 में दीपिका पादुकोण की 5 फिल्में रिलीज हुई थी। उनकी पहली भूमिका यहीं पे मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कार्तिक यहीं पे कालिंग गार्तिक में थी जहां दीपिका पादुकोण के एक उदास व्यक्ति फरहान और फरहान अख्तर द्वारा अभिनीत की थी। सहायक प्रेमिका के रूप में लिया गया था और यहीं पे वैरायटी के यहीं पे डायरेक एली ने फिल्म को जो है पतली और यहीं पे साजिश के रूप में पाया था। लेकिन यहीं पे दीपिका पादुकोण की सरल सरलता को फिल्म का जो है मुख्य आकर्षण माना जाता है। व्यावसायिक रूप से फिल्म ने जो यहीं पे खराब प्रदर्शन किया था उस वर्ष उनकी सबसे अधिक यहीं पे आर्थिक रूप से जो है लाभदायक फिल्म यहीं पे साजिद खान की 1.15 बिलियन से यूएसए 16 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। उसके बाद जो है सकल कॉमेडी फिल्म हाउसफुल थी और जिसमें जो है उन्होंने अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत कलाकारों की यहीं पे टुकड़ी के साथ जो है अभिनय किया था। उसके बाद जो है राजा सेन ने फिल्म को जो है खराब अभिनय का यहीं पे त्योहार के रूप में वर्णित किया और दीपिका पादुकोण के खराब प्रदर्शन को उनके यहीं पे प्लास्टिक के भाव के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद उन्होंने प्रदीप सरकार के नाटक यहीं पे लम्फगे परिडे 2010 में जो यहीं पे दीपिका पादुकोण ने एक अंधी लड़की के रूप में अभिनय किया जो कि एक यहीं पे स्केटिंग प्रतियोगिता जीतने के लिए यहीं पे दृढ़ थी और तैयारी में उसने जो है नेत्रहीन लोगों की बातचीत देखी और आंखों पर जो है पट्टी बांध कर दृश्यों का यहीं पे पूर्वाभ्यास किया था। उसके बाद वे हिंदू के लिए लेखन और यहीं पे सुधीश कामत काफी यहीं पे स्वयं से जो है विशेष रूप से प्रभावित हुए थे जिसके साथ जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। उनकी यहीं पे अगली भूमिका रोमांटिक कॉमेडी ब्रेक के बाद जो है इमान यहाँ पे इमरान खान के साथ थी और यहाँ पे CNN यहाँ पे IBN के राजीव मंसत ने यहाँ पे फिल्म को यहाँ पे इसकी प्रमुख महिला के प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने पर जो है देखने योग्य पाया और यहाँ पे करो और यहाँ पे मरो इसके बाद जो है किताब पर जो है आधारित यह फिल्म सन 1930 के जो है चटगांव और शस्त्रगार यहाँ पे छापे की पुनर्कथन है और यहीं पे अमिताभ बच्चन ने जो है पे क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन के रूप में अभिनय किया था और दीपिका पादुकोण ने उनकी यहीं पे विश्वास पात्र कल्पना दत्ता की भूमिका निभाई थी और दीपिका पादुकोण ने कहा कि वह अपनी भूमिका पर यहीं पे शोध करने और यहीं पे असमर्थन थी क्योंकि यहीं पे अलारा दत्ता के बारे में बहुत कम यहीं पे जानकारी थी और यहीं पे गुवारिकर ने जो यहीं पे निर्देश पर जो है यहीं पे निर्भर थे और इसने जो है व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। दीपिका पादुकोण ने 2011 की शुरुआत यहीं पे रोहन सीपी के दम मारो दम में एक आइटम नंबर 1 के साथ की थी और उन्होंने इसे जो है किसी भी यहीं पे अभिनेत्री द्वारा किया गया सबसे यहीं पे बेतहाशा गीत के रूप में संदर्भित किया गया था और गाने की यौन यहीं पे सामग्री के विवान को जो है आकर्षित किया गया था जिसमें जो है यहीं पे अवधर्ताओं के लिए एक अदालती और यहीं पे मामला भी शामिल है। उनकी अगली फिल्म यहीं पे प्रकाश झा की सामाजिक और यहीं पे राजनीतिक नाटक यहीं पे आरक्षण थी जो कि भारत में जाति आधारित यहीं पे आरक्षण से संबंधित थी। उसके बाद जो है व्यापार पत्रकारों को जो है इसी फिल्म से काफ़ी उम्मीद थी जो कि अंततः बॉक्स ऑफिस पर जो है
फ्लॉप हो गई थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया काफ़ी हद तक यहीं पे नकारात्मक थी। हालांकि प्रतिम डी गुप्ता ने दीपिका पादुकोण को इसके बारे में सबसे ताज़ा करने वाली जो है चीज़ बताया था। उस वर्ष उनकी जो है अंतिम उपस्थिति रोहित धवन की कॉमेडी ड्रामा देसी यहीं पे बायोल में जो अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम और यहीं पे चित्रगंधा सिंह के साथ जो है एक ऐसी भूमिका जो कि उनके करियर के आगे बढ़ाने में जो है विफल रही थी। खराब फिल्मों की श्रृंखला ने आलोचकों को यह जो है समझने के लिए प्रेरित किया कि यहीं पे दीपिका पादुकोण ने खोए उसकी जो है चमक है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान की मूवी, जो कि 2014 में ये मूवी रिलीज हुआ था और इस मूवी का नाम है, इस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। सो फ्रेंड, इस ऑडियो को जो है काफ़ी देर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 2 घंटे का ऊपर का ये वीडियो है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस फिल्म के बारे में और भी रोमांटिक बातों को हम जानते हैं। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में काफ़ी बेहतरीन बातों को मैं आप लोगों के साथ जो है बतलाने वाला हूँ। दीपिका पादुकोण ने कहा है कि 2012 में ये पे होमी अजानिया धारा जो है निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल में जो है उनकी भूमिका ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। और Rediff.com के राजा सेन ने कहा है कि यहीं पे सफलतापूर्वक एक यहीं पे आश्चर्यजनक लड़की को अभिनय की और यहीं पे अभिनय भी कर सकती है। उसके बाद जो है साबित हुई है लंदन में सेट यहीं पे कॉकटेल एक जो है पुरुष के दो अलग अलग जो है महिलाओं के साथ जो है संबंधों की कहानी कहता है। एक यहीं पे आवेगपूर्ण पार्टी लड़की और यहीं पे बुरोनी का पादुकोण धारा जो है निभाई गई और एक जो है यहीं पे विभिन्न लड़की मीरा डायना पेंटी धारा जो है अभिनीत जो है पद का था। वर्णन के दौरान जो है यहीं पे निर्माता दिनेश विजय ने जो है दीपिका पादुकोण को यह चुनने की पेशकश की थी। किसी भी एक महिला का जो है किरदार जो है निभाना है और उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपने शिक्षित का जो है विस्तार करने के लिए जो है यहीं पे वरोनिका पर जो है निर्णय लिया है और भूमिकाओं की चित्रण करता है। उनके लिए एक जो है रचनात्मक और शारीरिक चुनौती थी और अपने चरित्र की शारीरिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर यहीं पे व्यायाम किया है और एक कठोर आहार का जो है पालन किया है। आलोचकों को फिल्म के बारे में उनकी राय में यहीं पे विभाजित किया गया था और लेकिन विशेष रूप से दीपिका पादुकोण प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। फिल्म फेयर के लिए यहीं पे देवेश शर्मा ने उन्हें जो है फिल्म की आत्मा के रूप में श्रेय दिया है और लिखा है कि वह हर दृश्यों में एक यहीं पे उत्कृष्ट है और चाहे एक यहीं पे भौतिक लड़की के रूप में जो कि यहीं पे आनंद लेती है और यहीं पे सेक्स ड्रग्स और यहीं पे रॉक एंड रोल या यहीं पे ईर्ष्या के यहीं पे शिकार लड़की के रूप में खुद को जो है नष्ट भी करने के लिए यहीं पे कॉकटेल ने जो है फिल्म फेयर स्क्रीन और यहीं पे साइफा सहित कई जो है पुरस्कार यहीं पे समारोह में दीपिका पादुकोण सर्वश्रेष्ठ यहीं पे पुरस्कार समारोह में पादुकोण को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन दिलाया था। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जो है सफल साबित हुई थी और कैमरे के लिए जो है यहीं पे मुस्कुराते हुए रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण 2013 में गोलियों की यहीं पे रसलीला रामलीला के एक यहीं पे कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह जो है फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए जो है उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया गया था और 2013 में दीपिका पादुकोण ने वर्ल्ड की यहीं पे
सर्वश्रेष्ठ कमाई करने वाले चार प्रस्तुतियों में से यहीं पे चार में अभिनय करके खुद को जो है हिंदी सिनेमा के लिए प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था। उसके बाद उन्होंने जो है अब्बास मस्ताना की रेस टू में यहीं पे चौथी बार जो है सैफ अली खान के साथ जो है यहीं पे सहयोग किया, जो कि एक एक्शन थ्रिलर थी, जो कि यहीं पे रेस 2008 की अगली कड़ी के रूप में जो है काम करती थी। फिल्म को मुख्य रूप से जो है नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन दुनिया भर में एक यहीं पे सफल कमाई की थी। उसके बाद जो 1.62 बिलियन से अधिक कमाई किया था, यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 23 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। उसके बाद जो है अयान मुखर्जी की जो है रोमांटिक कॉमेडी ये जवानी है दीवानी दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म रिलीज थी। रणबीर कपूर के साथ जो या जो अभिनीत उन्होंने नैना और यहाँ पे तलवार के रूप में लिया गया था, जो कि एक यहीं पे शर्मी जो कि एक शर्मीली यहीं पे दीवार फ्लावर थी, जिसने जो है उनके यहीं पे ग्लैमर्स पात्रों से एक प्रस्थान को जो है चिन्हित किया था और जिन्हें जो है यहीं पे चित्रित करने के लिए उनकी प्रतिष्ठा थी। और यहीं पे राजा सेन ने सोचा कि फिल्म में एक यहीं पे अच्छी कहानी की भूमिका है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दीपिका पादुकोण अपने भीतर अभिनय करती है और यहीं पे अति शक्ति से जो यहीं पे बचती है और यहीं पे परिणाम और प्रभावशाली है। यह उनका अब तक का जो है सबसे आत्मा यहीं पे जागरूकता प्रदर्शन हो सकता है। और यहीं पे पादुकोण की यहीं पे जोड़ी के साथ यह फिल्म जो है बनाया गया था। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान की न्यू मूवी, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। ये मूवी का नाम है हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी न्यू ईयर के टाइम में इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया था, और इस फिल्म में काफी बेहतरीन एक्टर स्टारकर आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बता रहे हैं जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। सो फ्रेंड, इस फिल्म के लिए सबसे पहले जो प्रियंका चोपड़ा को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इस मूवी के लिए ठुकरा दिया। 2014 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फराह खान ने एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम किया है इस फिल्म में। 100 करोड़ के बजट पर इस फिल्म को बनाया गया था। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस फिल्म को, जिसे 2014 में हैप्पी न्यू ईयर के नाम से रिलीज किया गया था इंडिया भर में, और बॉक्स ऑफिस में ये मूवी जो सुपर हिट साबित हुआ था। अभी हम बात करें स्टार कास्ट के बारे में, दीपिका पादुकोण मैम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और उनके बारे में और भी काफी मजेदार बातें जो है जानते हैं। उसके पूर्व प्रेमी उम्मीद थी कि और ये भी फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी। उनकी अगली उपस्थिति रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ थी, जिसमें जो है एक यहीं पे तमिल लड़की अपने पिता एक यहीं पे स्थानीय डांस से जो भाग रही थी, जिसके लिए उसे जो है एक यहीं पे तमिल उच्चारण यहीं पे अब एक तमिल उच्चारण और यहीं पे अपनाने की जो है यहीं पे आवश्यकता थी। उनके यहीं पे उच्चारण पर जो यहीं पे आलोचनात्मक राय मिश्रित थी, और लेकिन उनके प्रदर्शन को जो है प्रशंसा मिली थी। फिल्म समीक्षक और यहीं पे असीम छबड़ा ने जो है लिखा है कि दीपिका पादुकोण यहीं पे रमणीय है और सुंदर यहीं पे मुस्कुराते हुए, और यहीं पे अक्सर शाहरुख खान की यहीं पे तुलना में बहुत अधिक यहीं पे चंचल और यहीं पे मजाकिया दिखती है। चेन्नई एक्सप्रेस ने जो है सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में जो है उभरने के लिए यहीं पे 3.95 बिलियन से अधिक की कमाई की थी। उसके बाद जो है दीपिका पादुकोण ने अगली बार जो है गोलियों की रासलीला रामलीला में जो है रणबीर सिंह के साथ जो है अभिनय किया था, जो कि निर्देशन संजय लीला भंसाली के रोमियो और जूलियट के जो यहीं पे सोक्सिया और यहीं पे त्रासदी का यहीं पे रूपांतरण है। उनकी भूमिका यहीं पे जूलियट के चरित्र पर जो है आधारित एक गुजराती लड़की लीला थी। शुरुआत में यहीं पे रामलीला शीर्षक से जो है फिल्म का यहीं पे शीर्षक बदल दिया गया था, जब यहीं पे भंसाली यहीं पे पादुकोण और यहीं पे सिंह के दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह के खिलाफ जो है हिंदू और यहीं पे समुदाय की यहीं पे धार्मिक हिंदू समुदाय और यहीं पे धार्मिक भावनाओं को यहीं पे ठेस पहुँचाने के लिए
एक शीर्षक के तहत जो है पे सेक्स और हिंसा का प्रदर्शन करने के लिए एक यहीं पे अदालती मामला दर्ज किया गया था जो कि राम के जीवन को यहीं पे संदर्भित करता है। और गोलियों की रासलीला रामलीला भारत में कई राज्यों में जो है विरोध यहीं पे प्रदर्शन के बीच जो है रिलीज हुई थी, लेकिन आम तौर पर जो है आलोचकों द्वारा जो है इसे खूब सराहा गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की यहीं पे मीना अय्यर ने जो है दीपिका पादुकोण को यहीं पे लुभावनी के रूप में वर्णित किया और यहीं पे डेक्कन यहीं पे क्रॉनिकल के लिए यहीं पे लिखते हुए खालिद मोहम्मद ने यहीं पे निकाला कि यह दीपिका पादुकोण है जिनसे जो है फिल्म यहीं पे संबंधित है। ड्रॉप डेड और यहीं पे गार्जी यश लग रही थी और यहीं पे एक दीवार के साथ जो है अपने हिस्सों में जा रही है वह जो है प्रमुख है। रामलीला की यहीं पे संपत्ति चेन्नई एक्सप्रेस और यहीं पे गोलियों की यहीं पे रासलीला रामलीला में जो है उनके प्रदर्शन ने उन्हें जो है कई पुरस्कार जीते जिसमें यहीं पे दोनों फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड और यहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण की ये मूवी जिसे जो है 2014 में रिलीज किया गया था। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे रोमांटिक बातों को हम बतला रहे हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में दीपिका पादुकोण मैम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इनके बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छे रोमांटिक बातों को हम बतला रहे हैं। सो फ्रेंड, दीपिका पादुकोण जो है आज के दौर में सबसे महंगी एक्टरों में शामिल है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्टरों के लिस्ट में इनका भी नाम जुड़ चुका है। सो फ्रेंड, जब इन्होंने पहली दफ़ा बॉलीवुड फिल्म में अपना कदम रखा था ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया था, वो मूवी जो है सुपर हिट हो गया। उसके बाद जो है इनको जो है काफ़ी सारे फिल्म के ऑफर जो है मिलने लग गए थे। 2014 में दीपिका पादुकोण ने जो है रजनीकांत के साथ जो है तमिल फिल्म कोचा दैया में जो है अभिनय किया था। फिर तमिल फिल्म का कुछ ऐसा नाम होता है जो कि यहाँ पे लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक यहीं पे पीरियड ड्रामा जिसे जो है मोशन और यहीं पे कैप्चर टेक्निक का उपयोग करके जो है शूट किया गया था। इसमें जो है दो दिन के काम के लिए जो है उन्हें 30,420,000 का भुगतान किया था। उसके बाद जो है यहीं पे होमी आद जानिया के यहीं पे प्रशंसित यहीं पे वंगत और फाइटिंग फैनी में जो है पे दीपिका पादुकोण ने एक युवा विधवा की भूमिका निभाई जो कि फैनी नाम की एक महिला की तलाश में अपने बेकार दोस्तों अर्जुन कपूर और यहीं पे नसीरुद्दीन शाह, डिंपल कबाड़िया और यहीं पे पंकज कपूर द्वारा अभिनीत के साथ जो है सड़क यात्रा कर दी है। फिल्म को जो है यहीं पे 29वें यहीं पे बुसान और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। द हिंदू की यहीं पे आलोचक और यहीं पे अनुज कुमार ने लिखा है कि दीपिका पादुकोण ने सफलतापूर्वक बॉलीवुड की यहीं पे बारीकियां उतार दी और आप उनके प्रदर्शन में जो है सम्मान से यहीं पे स्वतंत्रताओं को महसूस कर सकते हैं। उस वर्ष बाद में उन्होंने जो है फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर के यहीं पे नवीनीकरण में जो यहीं पे तीसरी बार शाहरुख खान के साथ जो अभिनय किया था। उन्होंने एक बार यहीं पे डांसर की भूमिका निभाई जो कि एक नृत्य प्रतियोगिताओं के लिए कम यहीं पे उपलब्धित हाउस और यहीं पे करने वाले के एक महसूस को जो है प्रदर्शित करती है जो कि मीन की यहीं पे सुचंदा शर्मा ने अपनी भूमिका को न्यूनतम और यहीं पे महत्व के रूप में जो है यहीं पे पाया था जिसके लिए उन्होंने जो है केवल यहीं पे हंसने और दुखी होने के लिए एक यहीं पे सुंदर चीज की आवश्यकता थी, लेकिन यह जो है फिल्म उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई थी। उसके बाद जो है जिसने जो है 3.4 बिलियन एंड
48 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। दुनिया भर में दीपिका पादुकोण का एक यहीं पे हेड शॉट 2015 में जो है बाजीराव मस्तानी के एक जो है कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण और यहीं पे होमी आद जानिया के यहीं पे नारीवाद पर जो है ऑनलाइन वीडियो माई और यहीं पे चाइस नामक में जो है एक उपस्थिति के बाद जो है दीपिका पादुकोण ने सुजीत यहीं पे सरकार की कॉमेडी ड्रामा पिकू फिल्म में इन्होंने काम किया था। 2015 में एक प्रमुख बंगाली यहीं पे वास्तुकार की भूमिका निभाई जो कि अपने यहीं पे हाइपोकांडिंग और यहीं पे पिता यहीं पे अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत की देखभाल करता है। वह एक यहीं पे यथार्थवादी पिता और यहीं पे पुत्री बंधक के चित्रण के लिए तैयार थी जिसे वह हिंदी सिनेमा में जो यहीं पे दुर्लभ मानती थी और फिल्म के लिए समीक्षक यहीं पे सकारात्मक थी और यहीं पे बिजनेस स्टैंडर्ड्स के जो यहीं पे तन्मय नंदा ने जो है फिल्म के नारीवाद और यहीं पे शरद की जो प्रशंसा की थी और यहीं पे लिखा है कि दीपिका पादुकोण साबित करती है कि वह जो है वो दीपिका पादुकोण साबित करती है जब वह यहीं पे सुंदर दिखने और यहीं पे पार्टियों में जो है पागल नृत्य लड़की बनने के अलावा कुछ और यहीं पे करने में सक्षम है तो वह यहीं पे क्या कर सकती है। और यहीं पे NDTV के यहीं पे सैबल चटर्जी ने कहा है कि वह यहीं पे पीकू को एक यहीं पे संयमित स्टार टर्न के जो है साथ यहीं पे पकड़ती है और दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ जो है पीकू बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। दीपिका पादुकोण कई पुरस्कार मिले जिसमें जो है फिल्म फेयर और यहीं पे स्क्रीन पर दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी इन्होंने जीता हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण की 2014 का फिल्म जो है ये मूवी। इस फिल्म को जो है फराह खान ने एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम किया हुआ है। इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है। इस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। ये मूवी जो है काफ़ी सुपरहिट हुआ था 2014 में और बॉक्स ऑफिस पर एक नया पहचान बनाया था। दीपिका पादुकोण के बारे में हम बात करते हैं, इनका जो है लाखों फैन जो है इंडिया और इंटरनेशनल देशों में यानी कि बाहर के मुल्कों में है। सो फैन इनके फिल्म के बारे में आज के इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस फिल्म के बारे में कुछ और रोमांटिक बातों को हम जानते हैं। बाद में 2015 में दीपिका पादुकोण ने एक व्यवसायिक की भूमिका निभाई जो कि इम्तियाज अली के रोमांटिक ड्रामा तमाशा में रणबीर कपूर के चरित्र को उनके संघर्षों को जो है दूर करने में मदद करता है। खराब वित्तीय यहीं पे रिटर्न के बावजूद Rediff.com की यहीं पे सुकन्या वर्मा ने दीपिका पादुकोण प्रदर्शन को जो है उस वर्ष एक यहीं पे अभिनेत्री धारा सर्वश्रेष्ठ के रूप में जो यहीं पे नामित किया था। यह लिखते हुए कि वह जो है तमाशा में इतनी शक्तिशाली है और यह जो है लगभग ऐसा ही जैसे कि आप जो है स्क्रीन पर उनके दिल की और यहीं पे धड़कन सुन सकते हैं। 2015 की अपनी यहीं पे अंतिम रिलीज जो है दीपिका पादुकोण ने जो है संजय लीला भंसाली और रणबीर सिंह के साथ जो है बाजीराव मस्तानी में जो है फिर से काम किया था जो कि एक यहीं पे दुखद और यहीं पे विवाहेतर और संबंधों के बारे में एक जो है ऐतिहासिक नाटक है। यहीं पे रणबीर सिंह को जो है मराठा जनरल और यहीं पे बाजीराव प्रथम के रूप में लिया गया था जबकि प्रियंका चोपड़ा और यहीं पे दीपिका पादुकोण ने क्रमश उनके जो है पहले और दूसरी पत्नी के रूप में जो अभिनय किया था। योद्धा राजकुमारी और यहीं पे मस्तानी के भूमिका निभाने के लिए दीपिका पादुकोण ने यहीं पे तलवारबाजी और यहीं पे घोड़सवारी और यहीं पे कलारीपयट्टू की यहीं पे मार्शल आर्ट सिखाई थी। 3.5 बिलियन और यहीं पे 49 मिलियन से अधिक के यहीं पे राजस्व के साथ जो है बाजीराव मस्तानी वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद जो 87 अनुपमा चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण और यहीं पे रीवेटिंग पाया और लेकिन जो है यहीं पे सुभाष के झा ने सोचा कि वह यहीं पे बहुत जो है सूक्ष्म और यहीं पे रेशमी है और यहीं पे पर्याप्त रूप से जो है यहीं पे पर्याप्त और नहीं है।
फिल्म को भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था। यहीं पे फिल्म फेयर पुरस्कारों में यहीं पे बाजीराव मस्तानी को जो यहीं पे सर्वश्रेष्ठ यहीं पे महिला का नाम दिया गया था। सो फ्रेंड इनको नाम जो सर्वश्रेष्ठ महिला में था और बाजीराव मस्तानी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया गया था। और यहीं पे दीपिका पादुकोण उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन मिला था। और यहीं पे व्यावसायिक यहीं पे विस्तार 2017 में वर्तमान एक्शन फिल्म ट्रिपल एक्स और यहीं पे रिटर्न ऑफ यहीं पे जेंडर के 2017 जिसमें जो है दीपिका पादुकोण ने बिन डीजल के जो है साथ जो है यहीं पे सिरेना और यहीं पे अनगर सिरेना अनगर की मुख्य महिला भूमिका निभाई थी। उसके बाद जो हॉलीवुड उनकी हॉलीवुड में उनकी पहली परियोजना को चिन्हित किया गया था। 118 फिल्म का जो आलोचनात्मक यहीं पे स्वागतम और यहीं पे मिला जुला रहा था। और यहीं पे द फिल्म द यहीं पे फिलाडे यहीं पे फिलाडे फिलाडेलीफन और यहीं पे इनकयर के यहीं पे तिरदार और यहीं पे ड्राक्सानी ने जो है फिल्म को उल्लेखनीय रूप से जो है थकाऊ और यहीं पे सीजीआई और यहीं पे संवर्धित एक्शन दृश्यों का यहीं पे दोहरा वादार ढेर और यहीं पे करार दिया था। और सोचा कि इसमें जो है यहीं पे दीपिका पादुकोण की प्रतिभा यहीं पे बर्बाद हो गई थी। और इसके विपरीत द हॉलीवुड रिपोर्टर्स के यहीं पे फ्रेंक एसकेच का जो है मानना था कि उन्होंने यहीं पे व्यवहारिक रूप से जो है यहीं पे चोरी फिल्म करने के लिए डीजल को यहीं पे सफलतापूर्वक यहीं पे पछाड़ दिया था। और फिल्म ने जो है दुनिया भर में 345 मिलियन से अधिक की कमाई की थी जिसमें से अधिकांश चीनी बॉक्स ऑफिस से जो है आया। और दीपिका पादुकोण ने 3 चॉइस और यहीं पे अवार्ड्स में जो है 3 नामांकन प्राप्त किए थे। और इसके बाद जो है रोमांटिक ड्रामा यहीं पे रफ्ता में एक जो है आइटम नंबर के साथ जो है काम किया था। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान की मूवी। 2014 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर। सो फ्रेंड इस वीडियो में जो है हम आखिरी बातों को बतला रहे हैं और थोड़ी सी देर के बाद जो है आप लोग से इस वीडियो से हम विदा ले लेंगे। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी का फुल रिव्यू कर रहा हूँ। दीपिका पादुकोण का यह फिल्म है और अभी जो है कुछ समय का ऑडियो बचा हुआ है, इसके बाद जो है मैं आप लोग से इस वीडियो से विदा ले लूंगा। 2018 में दीपिका पादुकोण ने एक राजपूत रानी यहीं पे पद्मावती को जो है चित्रित किया जो कि पद्मावत अवधि के नाटक में जो है पे मुस्लिम यहीं पे आक्रमण मुस्लिम आक्रमणकारी यहीं पे अलाउद्दीन यहीं पे खिलजी से जो है खुद को जो है बचाने के लिए जौहर यहीं पे आत्मदाहार करती है। इसने जो है संजय लीला भंसाली और यहीं पे रणबीर सिंह के साथ उनके तीसरे सहयोग को जो है चिन्हित किया गया था। उसे अपने चरित्र के साहक को चुप्पी के माध्यम से व्यक्त करने की यहीं पे आवश्यकता से चुनौती दी गई थी। और उसे जो है अपने यहीं पे करियर की सबसे यहीं पे भावनात्मक रूप से जो है थकाऊ भूमिका माना गया था। उन्होंने उस यहीं पे युग पर जो है इतिहास की यहीं पे किताब वो पढ़ी थी और पद्मावत यहीं पे विभिन्न ऐतिहासिक यहीं पे चित्रणों पर जो है यहीं पे शोध किया गया था। यहीं पे दक्षिण पंथ हिंदू एंड समूहों ने जो यहीं पे अनुमान लगाया कि फिल्म पद्मावती और यहीं पे खिलजी के और यहीं पे बीच एक यहीं पे रोमांटिक यहीं पे संपर्क को जो है चित्रित करती है। और उन्होंने यहीं पे हिंसक विरोध किया है और यहीं पे दीपिका पादुकोण और यहीं पे संजय लीला भंसाली का सिर काटने का जो है यहीं पे इनाम रखा गया था। रिलीज में जो है देरी के बाद जो है कई यहीं पे संशोधनों के बाद जो है फिल्म को प्रदर्शन के लिए यहीं पे मंजूरी दे दी गई थी। ब्लॉकबस्टर एंड सुपरहिट साबित हुआ है क्योंकि 100 करोड़ के बजट पे बनी ये मूवी जो है 500 से अधिक की कमाई की हुई है, जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी जो है काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हुआ है। फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहले दबा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ रुपए जमा करके एक रिकॉर्ड बनाया कि जिससे यह जो है एक ही
दिन में इस आंकड़े तक जो है पहुंचने वाले पहले बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। यह रिकॉर्ड हाल ही में आमिर खान, अमिताभ बच्चन एंड कैटरीना कैफ और ये जो फातिमा साना शेख अभिनीत 2018 की दिवाली रिलीज जो है थक्स ऑफ द हिंदुस्तान से यहीं पे तोड़ा है और जिसने जो है पहले दिन जो है 52.25 करोड़ का संग्रह किया था, जो कि वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे अधिक है और यह जो है रिकॉर्ड बार धारा यहीं पे तोड़ा गया था। पहले दिन जो है फिल्म ने जो है यहीं पे 53.35 करोड़ का यहीं पे कलेक्शन किया था और शनिवार को जो है पे फिल्म ने 275 मिलियन की कमाई की और यहीं पे 42 और यहीं पे रविवार को कलेक्शन उसी सीमा में था और जिसने जो है यहीं पे ओपनिंग वीकेंड को रिकॉर्ड और यहीं पे 970 मिलियन नेट तक यहीं पे ले गया था। फिल्म ने जो है दुनिया भर में अपने पहले हफ्ता में जो है लगभग 75 बिलियन की कमाई की थी। धूम 3 के बाद जो है एक हिंदी फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत थी। फिल्म ने यहीं पे अपने पहले यहीं पे सोमवार को लगभग यहीं पे 122.5 मिलियन की कमाई की थी और 4 दिनों में इसकी कुल कमाई जो है 1.9 बिलियन हो गई थी। इसने जो है अपने पहले यहीं पे मंगलवार को 110 मिलियन की कमाई की क्योंकि फिल्म ने जो है सोमवार से यहीं पे कुछ यहीं पे सर्किटों में अच्छी पकड़ बनाई थी और जिससे जो है 5वें दिनों में इसकी जो है कुल कमाई 1.20 बिलियन हो गई थी। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है अपने पहले हफ्ता में 1.34 बिलियन की कमाई की और इतनी बड़ी कमाई के साथ जो है फिल्म का हफ्ता यहीं पे जोरदार रहा था और सोमवार और मंगलवार को इसका अखिल भारतीय संग्रह अच्छा रहा, लेकिन जो है पे बुधवार को यह गिर गया था। विशाल पहले हफ्ता ने जो है फिल्म को लगभग 770 मिलियन का भारी वितरक हिस्सा दिया था और फिल्म ने जो है अपने पहले हफ्ता में दुनिया भर में जो 2.45 बिलियन की कमाई की थी, जो कि धूम 3 किक और यहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस के बाद जो है अब तक की चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली मूवी थी। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करणों ने पहले हफ्ता में क्रोमस 11 मिलियन शुद्ध और यहाँ पे 26 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे यहाँ पे शुक्रवार को जो है लगभग 45 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार और रविवार को जो है लगभग 67.5 बिलियन शुद्ध और यहाँ पे 92.5 मिलियन की शुद्ध कमाई करने के लिए यहीं पे भारी वृद्धि दिखाई दी थी। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है दूसरे हफ्ता के अंत में लगभग जो है 2.5 मिलियन यानी कि 202.5 मिलियन की कमाई की और इसके 10 दिन के कुल जो है 1.54 बिलियन नेट तक जो है ले गए थे। फिल्म ने दूसरे सोमवार को जो है लगभग 30 मिलियन की शुद्ध कमाई की और दूसरे मंगलवार को 40 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और दूसरे यहीं पे बुधवार को जो है 27.5 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है अपने दूसरे हफ्ता में जो है लगभग 353.8 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। कुल मिलाकर 1.685 यानी कि बिलियन का शुद्ध लाभ उठाया था और उसने जो है अपने तीसरे हफ्ता में लगभग जो है 45 मिलियन की शुद्ध कमाई की और कुल मिलाकर 1.73 बिलियन का शुद्ध लाभ उठाया था। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है पे तीसरे हफ्ता में लगभग 77.5 मिलियन की शुद्ध कमाई की जो कि कुल मिलाकर 1.76 बिलियन से थोड़ा यहीं पे अधिक हो गई थी। हैप्पी न्यू ईयर ने चौथे हफ्ता में जो है 15.6 बिलियन की शुद्ध कमाई की और पांचवें हफ्ता में 3.4 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी को और अभी हम बात कर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड, इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार बातें बतला रहे हैं। सो फिर ऐसे में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इस मूवी ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था बॉक्स ऑफिस पे और ये मूवी सुपर हिट साबित हुआ था। फिर आज की इस वीडियो में हम इस मूवी का फुल रिव्यू कर रहे हैं हिंदी में, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का शूटिंग जो है 2008 में ही
फराह खान ने सोचा था करने के लिए, लेकिन किसी कारण जो है इस फिल्म को उन्होंने रोक दिया और 2014 चेन्नई एक्सप्रेस के बाद जो है इस फिल्म की शूटिंग को जो है दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है चौथे हफ्ता में 15.6 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और पाँचवें हफ्ते में 3.4 मिलियन की शुद्ध कमाई की थी, जिससे इसकी कुल कमाई जो है 1.83 बिलियन हो गई थी और बॉक्स ऑफिस पे इंडिया में हैप्पी न्यू ईयर को जो है सुपर हिट घोषित किया गया था। इसका अंतिम घरेलू सकल जो है 295 करोड़ एन यूएसए में कन्वर्ट करे तो 48 मिलियन था। उसके बाद जो है विदेशों में इसने कितना कमाई की थी इसके बारे में अब हम बातें करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ने जो है 8.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर एंड 498 मिलियन के यहाँ पे आंकड़ों के साथ जो है अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया गया है। फिल्म ने यहाँ पे खाड़ी नेपाल श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद जो है मलेशिया, थाईलैंड एंड हांगकांग और यहाँ पे जर्मनी के एक जो है सर्वकालिक रिकॉर्ड शुरुआत की थी। उदाहरण और यहाँ पे वांछित जो है शुरुआती हफ्ता में जो है फिल्म ने 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है कमाई की थी। 178 मिलियन खाड़ी में जो है 2 मिलियन एंड 123 मिलियन यहाँ पे यूएसए कैनेडा में इसने कमाई किया था। उसके बाद ये यूरो में 5,70,056 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम में जो है इसने कमाई किए थे। उसके बाद जो है 20.5 मिलियन ऑस्ट्रेलिया में और यहीं पे PKR 62 मिलियन का इसने कमाई किया था। फिर यहीं पे NRI 37 मिलियन पाकिस्तान में एंड उसके बाद जो हैप्पी न्यू ईयर ने जो है जर्मनी में एक ही हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे अच्छी ओपनिंग की है। और क्योंकि इसने जो है रिलीज के पहले दिन जो है यहीं पे उन्होंने चौरानवे हज़ार डॉलर की कमाई की और धूम 3 ने हफ्ता में जो है उसके बाद जो है 64,000 की कमाई की थी। और हफ्ता में यहीं पे माय नेम इज़ खान ने जो है उस 97,000 की कमाई की थी। विदेश में अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत में जो है फिल्म ने विदेशी बाजारों में यूएसए डॉलर जो है 16.71 मिलियन एंड 102 करोड़ की कमाई की थी। यह विदेशी बाजार में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक है। फिल्म 12 फरवरी 2015 को चीन में रिलीज हुई। इसने जो है चीन बॉक्स ऑफिस पर जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किया था और 3.21 करोड़ की कमाई की थी। क्रिटिकल और ये पे रिस्पेंशन संपादित करें। फिल्म को जो है भारत और विदेशों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हुई है। समीक्षकों और आधार पर जो है राटेन और यहाँ पे टोमांटोज पर जो है इसकी 57 रेटिंग है, जबकि जो है मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से शाहरुख खान हास्य यहीं पे सामग्री को प्रशंसा मिली हुई है। चरित्र यहीं पे विकास की कमी और यहीं पे अनौपचारिक के पे कथानक को जो है आलोचना मिली हुई थी। और घरेलू संपादक इंडियन एक्सप्रेस के यहीं पे सौरभ गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी है और इसे जो है मेरा भारत महान भावना प्रकार की फिल्म और एक यहीं पे महासागर के 11.12 और यहीं पे फ्लैश डांस के बीच जो है एक यहीं पे क्रॉस कहा गया है। रडीफ ने फिल्म को जो है 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी है और कहा है कि शुरू में ही एक यहीं पे धोखे की तरह जो है चलती है और एक विशाल लड़का जहां कुछ भी यहीं पे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। NDTV ने भी यहीं पे फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि यहीं पे बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बावजूद जो है इसमें कुछ भी नया नहीं है और यहीं पे फर्स्ट पोस्ट के यहीं पे मिहिर कडरवीस ने कहा कि फिल्म एक यहीं पे मोह और वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखती है और यहीं पे महसूस करती है कि जिसका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड में यहीं पे ठीक दो लोगों और यहीं पे फरार और शाहरुख खान धारा सराहना करना था। और ऐसा लगता है कि यहीं पे महासागर 11 यहीं पे 11 जो है बबून धारा जो है फिर से लिखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वसाव ने जो है मौलिकता को लेकर जो है फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए, कहा कि मौलिकता वह क्या है, फराह खान से यहीं पे हैप्पी न्यू ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शाहरुख खान की सुपरहिट मूवी को जिसका नाम है
आज की इस वीडियो में हम बातें कर रहे हैं शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण की एक जबरदस्त मूवीज के बारे में। इस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर और अभी हम बातें कर रहे हैं स्टार कास्ट के बारे में। सो फ्रेंड, 2018 में दीपिका पादुकोण ने एक जो है राजपूत रानी पद्मावत की जो है यहीं पे चित्रित किया था, जो कि पद्मावत अवधि के नाटक में जो है मुस्लिम यहीं पे आक्रमणकारी और यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी से जो खुद को जो है बचाने के लिए जौहर और यहीं पे आत्मदाह करती है। आज की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर मूवी को रिव्यू कर रहे हैं, जिसे फराह खान ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में आपको शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण, जैके श्रॉफ एंड सोनू सूद जो है लीडिंग रोल में नजर आए हुए हैं। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी का फुल रिव्यू एंड फैक्ट जो है बता रहा हूँ। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको ये मूवी देखना होगा। आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इस मूवी के बजट और इस मूवी को फुल एक्सप्लेन जो है कर रहे हैं। उसे जो है अपने चरित्र के साहक और यहाँ पे चुप्पी के यहाँ पे माध्यम से व्यक्त करने की आवश्यकता से जो यहाँ पे चुनौती दी गई थी और इसे जो है अपने करियर की सबसे यहाँ पे भावनात्मक रूप से जो है थकाऊ भूमिका माना जाता है। उन्होंने उस युग पर जो यहाँ पे इतिहास की यहाँ पे किताबों पढ़ी और यहाँ पे पद्मावत की विभिन्न ऐतिहासिक चित्रणों पर जो है शोध किया गया था। दक्षिण पंथी हिंदू और यहाँ पे समूह ने जो है अनुमान लगाया कि फिल्म पद्मावती और यहीं पे खिलजी के बीच जो है एक रोमांटिक संपर्क को जो है चित्रित करती है और उन्होंने जो है हिंसक विरोधी किया और यहीं पे दीपिका पादुकोण भंसाली का सिर काटने का इनाम रखा था। यहीं पे रिलीज में जो है देरी के बाद जो है कई संशोधनों के बाद जो है फिल्म को प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे दी गई थी और फर्स्ट पोस्ट के लिए अन्ना एम एम और यहीं पे बेटी कार्ड ने जो फिल्म के जौहर के यहीं पे मही जोहर के यहीं पे मही माधम की जो है आलोचना की गई थी, लेकिन दीपिका पादुकोण को रूढ़िवादी लेखन से जो है बाहर कुछ यहीं पे निकालने का श्रेय दिया था। 2 बिलियन एन यूएसए में कन्वर्ट कर दिया, 28 मिलियन के अनुमति बजट के साथ जो है पद्मावत सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में से एक है। 5.45 बिलियन से अधिक यानी 76 मिलियन की कमाई के साथ जो है दीपिका पादुकोण से सबसे यहीं पे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज फिल्म है और भारतीय सिनेमा की यहीं पे सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। ग्रॉसर एंड व 132 एंड 133 उन्होंने फिल्म फेयर में एक और यहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। पद्मावत की सफलता के बाद जो यहीं पे दीपिका पादुकोण ने अपने घर और परिवार पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए काम से कुछ समय निकाला। उसके बाद जो है 2018 में उनके प्रोडक्शन नाम से जो है अपनी खुद की कंपनी बनाई। उनका पहला यहीं पे प्रोडक्शन वेंचर छपाक 2020 के साथ जो है आया, जो कि यहीं पे मेघना गुलजार का एक नाटक था जिसमें उन्होंने एक एसिड अटैक यहीं पे सर्वायर लक्ष्मी और यहीं पे अग्रवाल पर जो है आधारित के रूप में अभिनय किया था। उन्होंने अपने चेहरे पर जो है यहीं पे कृत्रिम और यहीं पे मेकअप पहनकर जो है आतंकवादी धर्मी में जो है फिल्म करना कठिन पाया था और इसे अपने करियर की सबसे शारीरिक रूप से जो है चुनौतीपूर्ण भूमिका माना। द इंडियन एक्सप्रेस की यहीं पे शुभ्रा गुप्ता ने उन्हें जो है न केवल यहीं पे क्षतिग्रस्त एंड त्वचा पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए एक यहीं पे लापता कान और यहीं पे नथुने के साथ जो है यहीं पे बल्कि दर्द और यहीं पे क्रोध इस्तीफे और अंत में जो है किसी भी तरह की यहीं पे संकल्प पर जो है पहुंचने का श्रेय दिया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के यहीं पे टीओ एंड बुगबी ने कहा कि दीपिका पादुकोण बारी बारी से यहीं पे जिज्ञासु एंड चौकस और यहीं पे शांत है, लेकिन कभी भी शांत नहीं होता है। इसने जो है व्यावसायिक रूप से जो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हुआ है। सो फिर आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण की। 2014 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी का सीन देखने को मिलता है और इस फिल्म में आपको जो है बेहतरीन प्रोडक्शन एंड बेहतरीन जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। 100 करोड़ के बजट के इस फिल्म को बनाया गया था और इसने दुनिया भर में जो है 600 बिलियन से अधिक की कमाई की, जो कि एक जो है बॉक्स ऑफिस सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट की है फराह खान ने
और इस मूवी को प्रोड्यूस की हुई है गौरी खान ने, जो कि शाहरुख खान की वाइफ है। फराह खान ने एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम जो है इस फिल्म में इन्होंने किया हुआ है। दीपिका पादुकोण का अगला प्रोडक्शन वेंचर 83 होगा, जो कि सन 1983 की क्रिकेट विश्व कप में जो है भारत की जीत के बारे में एक स्पोर्टर्स और फिल्म होगी, जिसमें रणबीर सिंह कपिल देव की भूमिका में होंगे, जिसमें वह देव की पत्नी रोमी की भूमिका भी निभाएंगी। उन्होंने जो है शकुल बात्रा की कभी शकुल बात्रा की अभी तक की अभी तक बिना शीर्षक वाली रोमांटिक ड्रामा में जो है सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ जो अभिनय करने और यहाँ पे द्रौपदी को जो है अपने चरित्र के यहाँ पे दृष्टिकोण से जो है महाभारत की रिटेलिंग में जो यहाँ पे चित्रित करने के लिए जो है प्रतिबद्ध किया गया था, जिसका वह जो है निर्माण भी करेंगे। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण अमेरिकी कॉमेडी फिल्म द इंटर्न के यहाँ पे रिमेक का जो है निर्माण और अभिनय की यहीं पे अभिनय करेंगी। और यहीं पे नाग यहीं पे अश्वन धारा जो है निर्देशित एक यहीं पे अभी तक के बिना शीर्षक वाली यहीं पे साइंस फिक्शन फिल्मों में प्रभास के साथ जो है टीम बनाएंगे। और नवंबर 2020 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ जो है YRF के अगले यहीं पे प्रोजेक्ट पठान के लिए जो है शूटिंग शुरू की है। वह जो है सितंबर 2022 में रिलीज होने वाली सिद्धार्थ यहीं पे आनंद की फाइटर में जो है ऋतिक रोशन के साथ जो है अभिनय करने के लिए भी तैयार है। उसके बाद जो है रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण 2018 में अपने शादी के यहीं पे रिसेप्शन में दीपिका पादुकोण अपने परिवार के साथ जो है एक यहीं पे करीबी रिश्ता साझा करती है और अपने गृह नगर और यहाँ पे बेंगलोर में जो यहाँ पे नियमित रूप से उनसे जो है मिलने जाती है। और यहाँ पे 150वां जो है मुंबई के यहाँ पे पड़ोस में प्रभाव यहाँ पे मुंबई के पड़ोस में प्रभा यहाँ पे यहाँ पे प्रभा देवी में जो है रहती है, और उसने जो है स्वीकार किया है कि वह कहा अपने माता पिता की यहाँ पे उपस्थिति को याद नहीं कर रही थी। एक यहाँ पे अभ्यास करने वाली हिंदू दीपिका पादुकोण धर्म को अपने यहीं पे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यहीं पे मानती है, और यहीं पे मंदिरों और अन्य धार्मिक यहीं पे स्थलों पर अक्सर जो है जाती है। 2008 में यहीं पे बच्चा ए हसीनों का फिल्मांकन करते समय जो है दीपिका पादुकोण ने सह कलाकार रणबीर कपूर के साथ जो है एक रोमांटिक संबंध और यहीं पे शुरू किया था। उसने जो है अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और अपनी यहीं पे गर्दन के पिछले हिस्से पर जो है अपने नाम के अक्षर का यहीं पे टैटू बनाया था। उसने जो है कहा कि किस रिश्ते से का उन पर जो है यहीं पे गहरा प्रभाव पड़ा और जिससे वह जो है एक यहीं पे अधिक महत्व एक जो है अधिक जो है एक अधिक जो है आत्मा यहीं पे आत्मविश्वास और यहीं पे सामाजिक व्यक्ति बन गई थी। भारतीय मीडिया ने जो है सगाई की अटकलें लगाई और बताया कि यह नवंबर 2008 में हुआ था। हालांकि दीपिका पादुकोण ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में उनकी शादी करने की कोई भी योजना नहीं है, और एक साल बाद यह जो है जोड़ी टूट गई और उसने जो है एक यहीं पे साक्षात्कार में स्वीकार किया कि वह जो है लंबे समय तक खुद को जो है ठगा हुआ महसूस कर रही है। 2010 में एक यहीं पे साक्षात्कार में पादुकोण ने उन पर जो है यहीं पे अबेवफाई का दीपिका पादुकोण ने उन पर जो बेवफाई का आरोप लगाया और बाद में रणबीर कपूर ने इसे जो है स्वीकार किया। ये जवानी है दीवानी में काम करते हुए उन्होंने यहीं पे अपनी दोस्ती को जो है सुलझा लिया था। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान की जबरदस्त मूवी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को फुल रिव्यू कर रहे हैं, और इस मूवी के बारे में कुछ ऐसी रोमांटिक बातों को हम बतला रहे हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आखिरी बातों को बतला रहे हैं, यानी कि अंतिम बातों को बतला रहे हैं। अब कुछ समय बाद जो है इस वीडियो से हम आप लोगों से विदा ले लेंगे। सो फ्रेंड, कुछ मिनट का ये वीडियो जो है बचा हुआ है। वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो आप जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और पादुकोण के बारे में और भी
बेहतरीन बातों को हम जानते हैं। दीपिका पादुकोण के बाद में अपनी निजी जीवन पर जो है चर्चा करने के लिए यहाँ पे मितभाषी हो गई थी, लेकिन 2017 में उन्होंने सह कलाकार रणबीर सिंह के साथ जो अपने संबंधों के बारे में प्यार से बात की और जिससे जो उन्होंने 2012 में जो है डेटिंग शुरू की। नवंबर 2018 में इस जोड़े ने इटली के लेक कोमो में जो है यहाँ पे पारंपरिक यहाँ पे कोकनी और यहाँ पे सिंधी समारोह में शादी की थी, सिंधी समारोह में शादी की और ऑफ द स्क्रीन काम और यहीं पे अभिनय के अलावा जो है दीपिका पादुकोण और राय कलम लिखे हैं और यहीं पे महिलाओं के यहीं पे स्वास्थ्य और यहीं पे फिटनेस पत्रिकाओं से जो है जुड़े हुए हैं। उसने जो यहीं पे धर्मात और यहीं पे संगठनों का भी यहीं पे समर्थन किया है और यहीं पे स्टेज शो के लिए प्रदर्शन किया है। 2009 में उन्हें जो हिंदुस्तान टाइम्स जो है उनके जीवन शैली और यहीं पे अनुभाग के लिए यहीं पे साप्ताहिक कलम लिखने के लिए काम पर जो है रखा गया था। इन यहीं पे संतभों के और यहीं पे माध्यम से उन्होंने अपने यहीं पे प्रशंसकों के साथ जो है बातचीत की थी और अपने यहीं पे व्यक्तिगत और यहीं पे व्यावसायिक जीवन का यहीं पे विवरण दिया था। और उस वर्ष जो है उसने विश्व 100 के बेंगलोर और यहाँ पे मैराथन में जो है भाग लिया था, जिसने 81 गैर सरकारी संगठनों के यहीं पे समर्थन में जो है 13.1 मिलियन एंड USD में कन्वर्ट कर ले तो 1,80,000 यहाँ पे जुटाए थे। दीपिका पादुकोण ने जो है यहाँ पे गांव को बिजली की यहाँ पे नियमित और यहाँ पे आपूर्ति प्रदान करने के लिए NDTV की यहाँ पे ग्रीन नाथ और अभियान के हिस्से के रूप में यहीं पे अंबे गांव के महाराष्ट्र स्टेडियन गांव को जो है गोद लिया था और वह जो है NDTV के यहीं पे रियलिटी शो जय और यहीं पे जय जवान के यहीं पे स्वतंत्रता दिवस विशेष एपिसोड के लिए जो है जम्मू में जो है भारतीय जवानों और सैनिकों से मिली थी। मंच पर यहीं पे नाचती और दीपिका पादुकोण का एक दिवसीय पादुकोण 2014 में जो है यहीं पे स्लैम द टूर एंड यहीं पे कंसर्ट में जो है पे प्रस्तुत दे रही थी। दीपिका पादुकोण ने यहीं पे नवी मुंबई के यहीं पे डीवाई और यहीं पे पाटिल स्टेडियम में इंडियन और यहीं पे प्रीमियर लीग के यहीं पे तीसरा सीजन के यहीं पे उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। 3 साल बाद उन्होंने इंडियन यहीं पे प्रीमियर लीग के 6ठे और यहीं पे संस्करण के लिए यहाँ पे शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और यहाँ पे पीट बुक के साथ जो है प्रदर्शन किया था। 2014 में उन्होंने यहाँ पे स्लैम द टूर एंड शीर्षक से जो है पूरे उत्तरी और अमेरिका में एक जो है संगीत कार्यक्रम के दौरे में जो है भाग लिया था, जिसमें उन्होंने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर के अपने सह कलाकारों के साथ जो यहाँ पे प्रस्तुति दी थी। दीपिका पादुकोण एंड यहीं पे ओली पिंक और यहीं पे गोल्ड और यहीं पे क्वेस्ट टीम में भी यहीं पे शामिल रही है, जिसे जो है उनके पिता और यहीं पे गीत सेट्टी ने जो है लोक यहीं पे ओलंपिक खेलों में जो है यहीं पे भारतीय एंटीलिपो का जो यहीं पे समर्थन करने के लिए यहीं पे स्थापित किया था। साथ ही यहीं पे लिएंडर पेस और यहीं पे विश्वनाथन और यहीं पे आनंदन और कई अन्य अभिनेताओं जैसी यहीं पे खेल हस्तियों के साथ जो है 2013 में उन्होंने जो है खुदरा और यहीं पे श्रृंखला वैन और यहीं पे हायु सेन के यहीं पे सहयोग से जो है महिलाओं के लिए यहीं पे कपड़ों की अपनी लाइन फैशन और यहीं पे पोर्टल माइंट्रा के साथ जो यहीं पे मिलकर अपने ब्रांड ऑल यहीं पे अबाउंट यू के तहत जो है एक और यहीं पे लाइन लॉन्च की थी। 2019 में उन्होंने मुंबई एकेडमी ऑफ द यहीं पे मूविंग एंड इमेज की जो है यहीं पे चेयर पर्सन के यहीं पे रूप में जो है नियुक्त किया गया था और अपनी खुद की कंपनी का यहीं पे एंटरप्राइजेस के माध्यम से दीपिका पादुकोण ने ड्रम और फ्रस में इंटरनेशनल एक तेजी से जो यहीं पे आगे बढ़ाने वाली यहीं पे उपभोक्ता और यहीं पे वस्तुओं की कंपनी और यहीं पे बल्लू स्मार्ट एक यहीं पे इलेक्ट्रिक टैक्सी स्टार्टअप में जो यहीं पे निवेश किया था। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान की एक जबरदस्त मूवी को, जिसका नाम है, इस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म को डायरेक्ट की हुई है
इस फिल्म को डायरेक्ट किए हुए फराह खान ने और इन्होंने ही इस फिल्म का जो है एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का भी काम किया है। इस फिल्म को जो है 100 करोड़ के बजट पे बनाया गया है और दुनिया भर में इस फिल्म ने लाखों का इनकम किया है, जिसके वजह से ये मूवी जो है सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। 2014 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के बाद जो है इस फिल्म को बनाया गया था। यहीं पे दीपिका पादुकोण और नारीवाद जैसे मुद्दों पर भी यहीं पे मुखर रही है और उन्होंने जो है कहा है कि नई और यहीं पे नारीवाद आक्रामक यहीं पे आक्रामक होने के बारे में नहीं है या जो है शीर्ष पर जो यहीं पे पहुंचने के बारे में है, लेकिन यहीं पे नरम होना है, यह आपके होने के बारे में है और स्त्री और यहीं पे मजबूत और इच्छा शक्ति से जो है भरपूर 2015 के एक यहीं पे साक्षात्कार में दीपिका पादुकोण ने यहीं पे अवसाद पर जो यहीं पे काबू पाने के अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात की है। और उस वर्ष यहीं पे अक्टूबर में उन्होंने जो है भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी द लिव लव लाफ एंड यहीं पे फाउंडेशन नाम से एक यहीं पे फाउंडेशन बनाया था। अगले वर्ष उन्होंने यहीं पे सामान्य चिकित्सकों को और यहीं पे अवसाद और यहीं पे अवसाद यहीं पे यहीं पे चित्रा से जो है पीड़ित यहीं पे रोगियों को उपचार में सहायता करने के लिए मोरथान और यहीं पे जॉट सेड नाम से एक यहीं पे अभियान शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने जो है 2016 में फाउंडेशन ने जो यहीं पे फेसबुक और यहीं पे आसरा संगठन के साथ जो है मिलकर यहीं पे आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले लोगों का यहीं पे समर्थन करने के लिए फेसबुक की नेटवर्किंग साइट में जो यहीं पे बहुभाषी उपकरण और यहीं पे शैक्षिक यहीं पे संबंधों यहीं पे संसाधनों को यहीं पे लॉन्च किया था। दीपिका पादुकोण एन यहीं पे एनजीओ और यहीं पे इंडियन यहीं पे साइकियाट्रिक और यहीं पे सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर बनी और उनकी न्यू की पहली यहीं पे वर्षगांठ पर जो है दोनों संगठनों ने जो है वीडियो और यहीं पे पोस्टर अभियान किया था। दोबारा पूछो को लॉन्च करने के लिए जो है सहयोग किया, जो कि पीड़ित और यहीं पे अवसाद से जो है बच्चे लोगों को यहीं पे समर्थित है। उसके बाद जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यहीं पे विश्व आर्थिक मंच ने जो है उन्हें 2020 में यहीं पे क्रिस्टल अवार्ड से जो है सम्मानित किया था। 2020 में दीपिका पादुकोण ने उन छात्रों के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और जिन्होंने यहीं पे नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के कारण जो है 2020 की जेएनयू और यहीं पे हमले के दौरान जो है क्रूरता से जो है पीटा गया था। यहीं पे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उनके यहीं पे फैसले की आलोचना की और लोगों के उनकी फिल्म यहीं पे छपा का बहिष्कार करने को कहा था। कई अन्य लोगों ने जो है सहमति पर जो है कार्रवाई के खिलाफ जो है खड़े होने के लिए उनकी प्रशंसा की, क्योंकि मुख्य धारा के यहीं पे बॉलीवुड अभिनेताओं अपनी फिल्म पर जो है प्रतिक्रिया और यहीं पे परिणामों के डर से यहीं पे राजनीति के यहीं पे बयान देने से बचता है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इस मूवी का नाम जो है मेरे दिमाग से बार बार निकल जा रहा है, क्योंकि रिव्यू करते समय जो है मैं दीपिका पादुकोण के बारे में आप लोगों को काफ़ी रोमांटिक बातों को बतला रहा हूँ, जिसकी वजह से इस फिल्म का नाम जो है मेरे दिमाग से निकल जा रहा है। आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ कर दो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर मूवी को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। अब अंतिम बातों को मैं बतला रहा हूँ, उसके बाद जो है इस वीडियो से मैं आप लोगों से विदा ले लूँगा, उसके बाद जो है मिलूंगा नई वीडियो में। बट इस वीडियो में अभी जो है काफी रोमांटिक बातों को बदलाना है। पत्रकार भीड़ यहीं पे संवाद ही जब छपाक मूवी को रिलीज किया जा रहा था तो पत्रकार भी यहीं पे सनवादी ने 2013 में दीपिका पादुकोण को मजबूत कोई ऐसा व्यक्ति हो और अपना मन बनाते हैं और अपने भीतर यहीं पे प्रेरणा रखता है, वह विशेष रूप से मीडिया में एक यहीं पे पेशेवर अनुशासित और यहीं पे कलाकार के रूप में जानी जाती है, जिनकी काम को हर चीज पर जो है प्राथमिकता दी जाती है। रडीव.com
कॉम के एक यहीं पे समीक्षक ने उनके व्यक्तित्व को जो है सरल यहीं पे आधारभूत और यहीं पे सुलभ के रूप में वर्णित किया है और लिखा है कि वह यहीं पे आलोचनाओं को अपनी प्रगति में यहीं पे लेती है और अपनी यहीं पे सीमाओं को स्वीकार करती है और प्रयास करती है कि बेहतर बनने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए वह जो है प्रशंसा को जो है सम्मान रूप से संभालती है। और अयान मुखर्जी ये जवानी है दीवानी के निर्देशक उन्हें जो है एक ऐसी महिला का जो है मानते एक ऐसी महिला मानते हैं जो कि आपके साथ जो है ये पे फ्लर्ट करेगी लेकिन आप उसे अपने घर ले जाना पसंद करोगे। अपनी माँ से भी मिले और ये पे दीपिका पादुकोण ने 2010 से एक जो है ट्विटर अकाउंट बनाए रखा है और 2013 में एक यहीं पे अधिकारी फेसबुक पेज भी लॉन्च किया था। वह यहीं पे ट्विटर पर जो है सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली यहीं पे एशियाई महिला है। उसके बाद जो है कैमरे को यहीं पे पोज देती है और दीपिका पादुकोण का एक शॉट 2016 में लक्स के एक यहीं पे कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण को जो है भारत में सबसे जो यहीं पे लोकप्रिय और कई प्रोफाइल यहीं पे हस्तियों में माना जाता है। उनके करियर का यहीं पे विश्लेषण करते हुए यहीं पे राइटर्स ने जो है प्रकाशित किया है कि ओम शांति ओम के साथ जो है एक सफलता शुरुआत करने के बाद जो है उन्होंने फिल्मों की एक श्रृंखला में जो है अभिनय किया था जिसके लिए आलोचकों ने उन्हें जो है लड़की और लड़के यहीं पे उच्चारण का जो है यहीं पे मजाक उड़ाया। और द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि नहीं बहुत पहले कुछ यहीं पे ना समझ यहीं पे स्क्रिप्ट कॉल और यहीं पे रणबीर कपूर के साथ हुए उनके यहीं पे हाई प्रोफाइल रिश्ते के सार्वजनिक जो है विस्फोट के बाद जो है दीपिका पादुकोण राइट ऑफ कर दिया था। यह उनके बहुत यहीं पे अधिक पेशेवरता और यहीं पे समर्पण अनुशांस और यहीं पे दृढ़ता को जो है श्रेय दिया गया है। उन्होंने वापस यहीं पे उछाल दिया यहीं पे निम्नलिखित यहीं पे कॉकटेल ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस के जो है सफलता के बाद जो है कई मीडिया यहीं पे प्रो मीडिया प्रकाशनों ने जो है उन्हें जो है भारत में सबसे सफलता और यहीं पे समकालीन अभिनेत्री के रूप में जो है श्रेय देना शुरू किया था। इंडिया टुडे ने उन्हें जो है 2017 और 2019 में जो है देश के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक में शामिल किया था और 199 फोर्ब्स ने यहीं पे वैश्विक और यहीं पे संस्करण ने उन्हें जो है 2016 में दुनिया की यहीं पे 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री के रूप में जो है स्थान दिया था। 2017 में जो है यहीं पे पत्रिका ने उन्हें जो है भारत में जो है सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया था। 2014 से लेकर 2016 तक और 2018 में वह फोर्ब्स की सेलिब्रिटी 100 सूची के भारतीय संस्करण में यहीं पे सर्वोच्च रैंक वाली महिला थी जो कि अपने यहीं पे चरम पर काफी बेहतरीन काम करती थी। दीपिका पादुकोण के बारे में आज की इस वीडियो में हमने हर एक इन्फॉर्मेशन दिया है और साथ ही आज की इस वीडियो में हैप्पी न्यू ईयर मूवी को रिव्यू भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर मूवी का अंत करने का समय आ चुका है क्योंकि ये ऑडियो जो है अब 2 घंटे कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ बातें बतला के मैं आप लोगों से इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को फराह खान ने डायरेक्ट किए थे और इन्होंने ही इस मूवी की पटकथाओं को लिखा था। उसके बाद जो है प्रोड्यूसर के बारे में बात की कुराना बडवाल करीम मुरानी उसके बाद जो है गौरी खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस की हुई है। उसके बाद जो वेटरन के बारे में बात करें तो मयूर पुरी ने इस फिल्म के डायलॉग को इन्होंने लिखा हुआ है। स्टार कास्ट में नजर डाले तो शाहरुख खान दीपिका पादुकोण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह एंड जैकी श्रॉफ जो है लीडिंग रोल में इस फिल्म में नजर आए हुए हैं। मूवी का बॉक्स ऑफिस एंड इस मूवी के बारे में पटकथाओं के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। एक बार दोबारा से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बातें करें तो 100 करोड़ के बजट पे ये मूवी बनी थी और 564 करोड़ से अधिक की कमाई इसने दुनिया भर में किया था। फिल्म को जो है 23 अक्टूबर 2014 में रिलीज किया गया था। एक दिन पहले जो है दुबई में रिलीज हुई थी
और उसके एक दिन जस्ट बाजू है इंडिया में तेलुगू एंड मलयालम एंड हिंदी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। हैप्पी न्यू ईयर ये जो है एक भारतीय की यहीं पे HNY के रूप में संक्षिप्त यहीं पे फराह खान द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले यहीं पे गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है और फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी, विवान शाह और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों की टुकड़ी की गई है। इसे जो है यश राज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था। फिल्म ने जो है निर्देशक के साथ जो है खान के तीसरे सहयोग को जो है चिन्हित किया है। उन्होंने पहले मैं हूं ना 2004 और यहीं पे ओम शांति ओम में 2007 में काम किया था, जिसमें बाद में जो है पे दीपिका पादुकोण की भूमिका यहीं पे निभाने को मिला था। दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले शाहरुख खान के साथ जो है मैं शाहरुख खान के साथ जो है काम किया था। उस फिल्म का नाम था ओम शांति ओम, जिसे 2007 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को भी फराह खान ने डायरेक्ट किया था। फ्रेंड फराह खान जो है एक एज अ राइटर एंड डायरेक्टर का काम करती है, जो कि काफ़ी बड़े डायरेक्टर है। आज की इस वीडियो में हमने जो है रिव्यू किया है इस फिल्म को, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। 2014 में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। सो फ्रेंड शाहरुख खान की अब तक जो है 80 फिल्म से हो चुकी है और शाहरुख खान जो है काफी बेहतरीन और सबसे महंगे सबसे हाईएस्ट पेड वाले एक्टर्स है बॉलीवुड के। सो फ्रेंड्स शाहरुख खान के अगर फैन है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिटिल एनसी यू सून।